नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ग्रेड अप क्लासरूम में और एक नए सेशन के साथ हम लोग हाजिर हैं। राइट, आई होप मेरी आवाज़ अभी प्रॉपरली आ रही होगी। सुबह 9 बजे वैसे मैं क्लास लेता नहीं हूँ, जनरली टाइम रात के 9 बजे होता है, लेकिन चूंकि आप लोगों का मेंस आने वाला है, आप लोगों को पता है कि ये दिस जो आने वाला जो आपका वीक है ये बहुत क्रूशल होने वाला है, जिसमें आपके 2-3 आपके मेंस के पेपर हो जाएंगे, फिर 1-2 पेपर और बचेंगे, जैसे 4 तारीख का जो पेपर है और 20 तारीख का जो पेपर है। 2 बड़े पेपर आपके अभी होने हैं, तो उससे पहले वो कॉन्टेंट, वो चीज़ें जो आपको मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि सारा कॉन्टेंट आपको टाइमली मैं प्रोवाइड कर दूँ। राइट, तो आज का सेशन एक ऐसे क्वेश्चन पर बेस्ड है जो पिछले 2-3 सालों में बार बार रिपीट हुए हैं, और अगर आप ये पैटर्न ये टाइप समझ जाएंगे तो आप ये मानिए कि जो रीजनिंग का एक जो एक रीजनिंग का एक है पैटर्न, वो आपको प्रॉपर क्लियर यहां पर रखा हुआ सामने। जो एक रीजनिंग का पैटर्न है ना, वो आपको प्रॉपर वे में क्लियर हो जाएगा। राइट, ओके, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझना बहुत आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है, कभी कभी कुछ इन्फॉर्मेशन देना बड़ा जरूरी हो जाता है, आपको भी सिखाना पड़ता है, घर वालों को भी सिखाना पड़ता है, तब क्या बताएं। वैसे मैं आपको बता दूं, आज सुबह रात के 9 बजे आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल सुडोकू पजल, जो कि आपको पता है मेंस में पूछी आती है, उस पर हम लोग प्रॉपर बात करने वाले हैं रात के 9 बजे, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मैं आपसे बोलूं तो लाइव टेस्ट हम लोग कल करेंगे, कल सुबह 9 बजे हम लोग लाइव टेस्ट करेंगे, जहां पे मैं ये देखूंगा कि अगर मैंने कल ही आपका पेपर लिया, लेट सपोज कल ही अगर मैं आपका पेपर लेता हूं, तो आपके मार्क्स कितने आ सकते हैं। तो कल का जो क्लास है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल हम लोग लाइव टेस्ट पे बात करेंगे, उसके प्रॉपर जो एक टर्म्स है कि हाँ, अगर लाइव पेपर मेरा अगर आज ही होता तो उसके नंबर किस टाइप से आ सकते थे, उस पर हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। राइट, ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमें पता है कि हम लोग एक मिशन लेके चल रहे हैं, जिसका है कि भाई पर मेंस हमारा क्वालिफाई होना चाहिए। एनी हाउ मेंस हम क्वालिफाई करके ही आगे बढ़ेंगे, और एक हैशटैग खुद के लिए आप सेट कर लो कि हाँ भाई, चाहे कुछ हो जाए नौकरी हम लेकर आएंगे। राइट, एक मोटिवेशन कोट बहुत अच्छा है, और ये शायद आप लोगों को भी समझना चाहिए, आप जानते भी हैं, तब भी मैं आपको एक बार एक बार ये लाइन सिखा देता हूं कि अपने कामों को आप तब तक गोपनीय रखिए जब तक कि आप धमाके के लिए पूरी तरह तैयार ना हो। ये बहुत अच्छी एक लाइन है साइकोलॉजिकल वे में, भले आपको ये चीज ना पता नहीं। वो कहते हैं ना कि अभी मैं किसी साइकोलॉजी की एक किताब पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि कन्याओं को किसी भी जो सीक्रेट होती है वो मैक्सिमम वो 47 घंटे 18 मिनट तक छुपा के रख सकती हैं, उसके बाद भाई उनके पेट में नहीं पचेगा। तो यहां पे थोड़ा सा पचाना पड़ेगा, यहां आवश्यक है, क्योंकि लाइफ की बात है। देखिए, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कोई तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो अगर आप वो पहले ही आप बता देंगे तो आपकी एक्सपेक्टेशन खुद के बिहाफ में जीरो हो जाती है, आपका मोटिवेशन खुद के बिहाफ में बहुत नीचे चला जाता है। तो मेरा कहना यह है कि जब भी आप किसी टारगेट को लाइफ के लिए सेट करें, किसी टारगेट को अगर आप लाइफ के लिए सेट करें, तो आप उसको तब तक गोपनीय रखें जब तक आपको यह पता हो कि वो पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। तो गोपनीय रखा करें एटलीस्ट वो चीजें जो टास्क आपको करना होता है, स्पेशली जीवन के रिगार्डिंग। बाकी सब छोटी मोटी बातों को तो खैर वो पेट में पचेगा भी नहीं, लेकिन जीवन वाले टारगेट्स को जरूर गोपनीय रखा करो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन, बिल्कुल लक्ष्मी, जहां पे आवश्यकता पड़ेगी वहां पे हम हटा देंगे, जहां पे प्रॉपर आवश्यकता पड़ेगी वहां डेफिनेटली मैं हटा दूंगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये वो सवाल है जो पहले के कई पैटर्न्स में आपसे पूछ चुका है, तो मैं आपको समय दे रहा हूं, समय की वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है। शशान कह रहे हैं कि बैंकर बना रहे हैं कि चलिए बताइए क्या आएगा इसका आंसर। 39 ध्यान से देखिए, समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, और आज हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को ही करेंगे जो हमें पता है कि एग्जाम में पहले आ चुका है, और जिनका बेस्ट टर्म क्या होता है सीखने का, उस पर हम लोग बहुत डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलिए मैं आपको ऐसे समय बहुत नहीं दूंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस की ना हमने प्रैक्टिस बहुत की है। आपको अगर याद नहीं, मैं आपको बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस बहुत की है। एक बार समझ लीजिए क्या करना है हमें इसको।
जैसे आपका यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे आपका 6 और 3 दिया है, तो 6 का मतलब क्या हो गया इवन और 3 मतलब क्या हो गया प्राइम, यानी इवन फॉलो करे किसी प्राइम नंबर को। तो आपको पता है अगर इवन फॉलो करेगा किसी प्राइम नंबर को तो आपका रूल नंबर 2 है, यानी 6 और 3 अगर मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो ये आपका 3 बचेगा। अब आपके सामने 3 है और आपके सामने यहां पे 36 है, अब 3 आपका ऑड है और 36 आपका इवन भी है स्क्वायर भी है, तो यहां पे ये कह रहा है कि यदि कोई ऑड नंबर किसी स्क्वायर नंबर को फॉलो करेगा तो आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। सिंपल, अगर आप 36 और 3 का डिवाइड करेंगे तो यहां पे वैल्यू आपकी 12 के बराबर आएगी, वैल्यू आपकी 12 के बराबर आएगी। अब 12 को आप रख दो x के प्लेस में, 12 को आप यहां पे रख दो x के प्लेस में, तो x हो गया ये 12 हो गया और ये 7 हो गया। अगेन इवन फॉलो कर रहा है किसी प्राइम को, अगेन इवन फॉलो कर रहा है प्राइम को, यानी इवन अगर फॉलो करेगा यहां पे किसी प्राइम को तो आप 12 और 7 का डिफरेंस लेंगे। सो 12 और 7 का डिफरेंस आई थिंक ये 5 होगा, सो ये 5 और ये 6, तो ये आपका क्या कहते हैं क्या है ऑड है और अगला आपका इवन है। तो अगर ऑड फॉलो करे किसी इवन नंबर को, यानी ऑड एक ऐसे नंबर को फॉलो करे जो बस परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्योंकि और कोई रूल तो है नहीं, तो ऑड अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर जो कि ना हो उसको फॉलो करेगा तो हम यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 5 × 6 = 30 के हो जाएगा, 5 × 6 = 30 के हो जाएगा। तो यस, 30 इज द राइट ऑप्शन, 30 क्लियरली आपका सही जवाब। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत 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 प्रॉपर, एक ज्यादा स्पीड में नहीं करना है, मेंस गलतियां हो सकती हैं और गलतियां हमें इसलिए नहीं करनी है क्योंकि 60 में से टारगेट ही हमारा 30 से 35 नंबर है ना। तो काम माइंड से करो, है ना, ताकि मैं ये मान लूं कि जितने मैंने प्रीवियस पैटर्न आपको दे दिए आप इसको कर लेंगे। मतलब मैं ये कहूंगा कि आज के सेशन के सारे क्वेश्चंस अगर आपने प्रॉपर कर लिए तो शायद एक्स्ट्रा आपको फिर, मतलब 30 तक के लिए इतना पैटर्न बहुत है। डी ऑप्शन मतलब 260, उदय किरण ग्रेट, उदय आपकी स्पीड को मैं अप्रिशिएट करूंगा दोस्त। सी ऑप्शन 262, ओके मोना, डी ऑप्शन 260, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सिंपल, यहां पे रूल देखिए, 7 आपका ऑड है और इवन आपका कह सकते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि एक ही रूल फॉलो कर रहा है और कुछ है नहीं। तो यदि ऑड फॉलो करेगा किसी नॉन परफेक्ट को, तो ऑड अगर नॉन परफेक्ट को फॉलो कर रहा है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 × 7 = 42, तो ये आपका 42, तो अब 42 बचा और 10 बचा। 42 मुझे पता है इवन नंबर है, 10 भी मुझे पता है इवन नंबर है, यानी अगर मैं यहां पे देखूं तो इवन इवन का तो रूल नहीं है, लेकिन हाँ कॉम्पोजिट नंबर का रूल है जो कि इवन नंबर उसके आगे होगा। तो किसी कॉम्पोजिट के आगे अगर इवन होगा तो आप उन दोनों को क्या करेंगे, सिंपल यहां पे ऐड करेंगे, यानी 42 और 10 आपने किया तो ये आपका पहला रो जो है, जो आपका पहला रो है ये 52 के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर। अगले पे आइए, अगला आपका 10 और 17 है, तो 10 अपने आप में इवन है, 17 अपने आप में ऑड प्राइम है, राइट, ठीक है। सो ये इवन अगर फॉलो करे ऑड प्राइम को तो आप ले लीजिए यहां पे डिफरेंस, यानी 10 और 17 क्या हो जाएगा सिंपल, यहां पे अगर मैं इसको देखूंगा तो 17 और 10 का डिफरेंस यहां पे 7 ही बनेगा, ये सब्सट्रैक्ट ही करना है हमें, इतना हमने बना लिया ना। और देखिए अब अगर मैं 7 और 35 को देखूं तो 7 आपका यहां पे ऑड है और ये भी अगर आपका परफेक्ट यानी ऑड फॉलो करे तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, तो ये 7 × 7 = 35, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने। आई थिंक यहां पे -7 होना चाहिए, ऐसे ही बनेगा। अच्छा, दोनों रो का हमें मल्टीप्लाई करना है। एक तो मैंने 10 और 17, लेट मी चेक, सो ये 10 है, 10 आपका इवन है और 17 आपका ऑड है, तो दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। हाँ, 52 का मल्टीप्लाई देखने से ही हो जाएगा, तो अगर मैं यहां पे देखूंगा तो ये आपका 7, ये आपका, हाँ ठीक है, यस बिल्कुल ठीक है, आपका 52 और अगर मैं × 5 करूंगा तो ये हो जाएगा 260, ठीक है। मैं माइनस के चक्कर में पड़ गया था कि क्या वो माइनस पे जाएगा कि प्लस में जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अगर आप इसको दोनों को करेंगे तो वैल्यू आपकी 5 बनेगी, देन 52 और 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसको बताइए क्या बनेगा।
वो कई लोग क्योंकि कह रहे हैं कि सर माइनस बनेगा, ये माइनस तो ये प्लस होगा, तो दोनों को प्रॉपर बना लिया। कह रहे हैं कि एक्स यदि फर्स्ट रो का इक्विवेलेंट है तो आप बताइए सेकंड रो का रिजल्टेंट क्या होगा। हाँ, राइट सिद्धा, राइट राइट राइट। यस राकेश, हमें याद है, उसको हम लेके भी आए भाई, डोंट वरी। स्पीड में नहीं करना है ना, थोड़ा सा प्रॉपर वे में। क्या 207? बी ऑप्शन। ओके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए चार और चार क्या है, इवन और इवन है। इवन और इवन का तो कोई रूल है नहीं, लेकिन कॉम्पोजिट और इवन का रूल है कि यदि कॉम्पोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, सिंपल सी बात है, तो कॉम्पोजिट नंबर यदि इवन को फॉलो करे तो आप दोनों को ऐड करेंगे, चार और चार यहां पे 8 के बराबर होगा, तो ये 8 और 15 मेरे पास आ गया। अब 8 आपका इवन है, 15 आपका नॉन परफेक्ट है, राइट। ऐसे ही बनेगा कि अगर आप यहां देखिए तो 8 आपका इवन होगा और 15, अच्छा 8 का परफेक्ट क्यूब का भी रूल है, माई मिस्टेक भाई, भूल जाइएगा, माई मिस्टेक। 8 आपका परफेक्ट क्यूब आएगा, एकदम ठीक है, ये नॉर्मल इवन नहीं होगा, परफेक्ट क्यूब पे लग जाएगा ये। तो यदि परफेक्ट क्यूब यहां फॉलो करे किसी ऑड नंबर को, तो 8 और 15 दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब ये 23 के बराबर। ये आपका 23, बिल्कुल सही, रूल वन लगेगा, एकदम सही आरती, ठीक है। हाय मिली, गुड मॉर्निंग। अब यहां पे 23 यहां पे आ गया, एक्स की वैल्यू हमने 23 कर ली। अब जरा देखिए 3 और 23, तो 3 और 23 का मतलब क्या हो गया, 3 23 अगर मैं देखूं तो 3 आपका ऑड है और 23 आपका प्राइम भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल है नहीं कि ऑड फॉलो करे किसी प्राइम को। हम केवल यहां पे ये रूल लगाएंगे कि यदि ऑड फॉलो करे किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को, यही बनेगा ना। तो आप क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 9, 3 2 6, 69 हो गया। अब ये 69 और 3 बचा, 69 और 3 बचा, तो 69 भी कोई स्क्वायर और क्यूब तो है नहीं, ये सिंपल आपका ऑड ही है और ये भी आपका सिंपल ऑड ही है। यानी मैं इसमें रूल नंबर 4 अगेन लगाऊंगा कि अगर ऑड नंबर फॉलो करे किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को, तो हम यहां पे क्या करेंगे, अगर अगेन दोनों को मल्टीप्लाई, 9 3 9 3 27, 3 6 18, 2 20, यानी 207 बी ऑप्शन, ठीक है, सही है, सही है, सही है। ओके ठीक है, ओके अगले सवाल पे आइए, इसको बताएं क्या बनेगा। ई ऑप्शन ना दिख रहा है, ई ऑप्शन 73 है, ई ऑप्शन 73 है। हाँ जी, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा मंडल जी, टेलीग्राम पे आज हम कंटेंट आपको देने वाले हैं, कुछ इवन रीजनिंग के आपको मैथ्स भी हम प्रोवाइड करेंगे आज। बी ऑप्शन स्मार्ट अविनाश 75, ओके हिमानी 75, ओके सभी लोग 75 ही कह रहे हैं, देख लेते हैं क्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि जैसे 5 जो है, तो ये 5 और 100 है, तो 5 क्या है भाई, ऑड है, और ऑड फॉलो करे यदि नॉन परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या ये यहां पे मल्टीप्लाई का रूल जाएगा, क्या यहां पे मल्टीप्लाई का, क्योंकि 100 आपका इवन भी है, तो 100 आपका यहां पे इवन भी है, तो ये आपका नहीं, लेकिन मैं कहूं कि ये स्क्वायर नंबर है क्या, तो ये स्क्वायर वाला रूल आपका लग जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 होता है, सिंपल सी बात है, तो आप इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। यानी ऑड अगर फॉलो करे किसी परफेक्ट स्क्वायर को, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड सेकेंड नंबर बाय द फर्स्ट वन, तो आप क्या करेंगे, ये 100 और 5 को यहां पर डिवाइड करेंगे, ये बराबर होगा 20 के, तो ये 20 और 4 आ गया, 20 और आपका 4 आ गया। अब 20 यहां पे ना तो कोई स्क्वायर ना तो कोई क्यूब, ठीक है, 4 आपका स्क्वायर है, तो ऑड फॉलो करे परफेक्ट स्क्वायर को, उसका इवन से रूल नहीं, तो हम सिंपल ये लगाएंगे कि यदि कॉम्पोजिट नंबर फॉलो करे किसी इवन नंबर को, तो दोनों को आप ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये है कि पहले रो का जो वैल्यू है वो 24 के बराबर होगा, पहले रो की वैल्यू। सेकेंड पे आते हैं, ये 8 है, ये 9 है, तो मुझे 8 अभी अभी तुरंत क्लिक किया कि परफेक्ट क्यूब होगा,
तुरंत क्लिक किया कि परफेक्ट क्यूब होगा, यानी यदि एक परफेक्ट क्यूब फॉलो करे किसी और नंबर को तो आप दोनों को ऐड कर देंगे, तो 8 और 9 आप क्या करेंगे 17 के बराबर करेंगे, आप इसको सिंपल 17 के बराबर कर देंगे। अब 17 है और 3 है, तो 17 आपका ऑड है और 3 भी आपका ऑड है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऑड वाले केवल दो ही रूल है, तो सिंपल हम रूल नंबर 4 को यहां पे लगाएंगे, तीसरा हम लगा ही नहीं सकते। यानी ऑड अगर फॉलो करे किसी नॉन परफेक्ट को तो हम क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 51 के बराबर, ये आपका 51 के बराबर आएगा। तो अगर आपसे बोला गया कि दोनों रो का एडिशन, तो 51 24 ये हो जाएगा 75 के बराबर, सेकंड ऑप्शन, राइट ओके। रो वन रिपीट प्लीज, कौन कह रहा है, राकेश। देखो राकेश क्या दिक्कत है, आपसे बोला गया कि यदि ऑड फॉलो करे किसी परफेक्ट स्क्वायर को, भाई 100 आपका 10 का स्क्वायर है, तो ऑड अगर फॉलो करेगा एक स्क्वायर को तो आप डिवाइड करेंगे ना, तो आपने 100 और 5 का डिवाइड किया कितना आ गया, ये आपका 20 आ गया। अब 20 और 4 हम लेंगे तो वैसे तो इवन दोनों है, वैसे तो इवन दोनों है, लेकिन इवन फॉलो करे किसी इवन को ऐसा कोई रूल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहां पे ये रूल आएगा, कॉम्पोजिट भाज्य संख्या फॉलो करे किसी इवन नंबर को, यानी 20 फॉलो करेगा इवन को तो ये आपका 20 प्लस 4 24 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट पे आइए, इसको बताएं क्या बनेगा। ये आपके 5 क्वेश्चन की सीरीज ये खत्म हुई। क्या ब्लैक टी, देखो ब्लैक टी तो हम भी पी रहे हैं, ये हमारे क्या पिताजी ने बनाई है और दुनिया भर के इसमें खतरनाक मतलब औजार डाले हुए हैं। थैंक यू सो मच कोमल यार, यार मंडल की हेल्प कर दो भाई टेलीग्राम के रिगार्डिंग, मतलब आप मतलब इसके बाद ये हिमालय में ही मिलेगी, इसमें जितना कंटेंट मिला हुआ है ना, इसके बाद ये हिमालय में ही मिलेगा, इतना कंटेंट इसमें मिला हुआ है, मतलब बस इसमें अमृत नहीं मिली है बाकी सब मिला हुआ है। चलिए समझिए, कह रहे हैं कि अगर मैं 9 और 5 यहां देखूं तो 9 तो आपका कोई ऐसा क्यूब वगैरह है नहीं, और सिंपल मैं देखूं 9 आपका एक ऑड है, और ऑड ऑड तो फॉलो नहीं, लेकिन यह है कि ऑड अगर फॉलो करे किसी नॉन परफेक्ट को, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, ये 45 के बराबर हो जाएगा, ये 45 के बराबर हो जाएगा, राइट ओके डन। समझ में आ गई बात, सॉरी समझ में आ गई ये बात, ठीक है। अब आपका अगर ये 45 है तो अगर मैं यहां पे जाऊं तो ये 45 और 25 बनेगा, 45 और 25 बनेगा, तो अगर मैं यहां पे 45 25 देखूंगा तो 45 तो यहां पे आई थिंक ऑड ही है, तो अगेन ये मल्टीप्लाई होगा क्या, मल्टीप्लाई होगा क्या, मल्टीप्लाई होगा क्या, प्लीज कमेंट, मल्टीप्लाई होगा। अच्छा इसको भी हम कर लें क्या, हाँ रूल नंबर क्या लग जाएगा, बिल्कुल ठीक है कि यदि ऑड फॉलो करे परफेक्ट स्क्वायर को, यस, तो यहां पे आपका ये वाला रूल नहीं लगेगा क्योंकि नॉन परफेक्ट है ये, तो आप क्या नेताजी का आज ही है, ओके तो यदि ऑड यहां पे फॉलो करे परफेक्ट स्क्वायर को तो हम यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ऐसा ही है क्या कि डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे अगर मैं सिंपल निकालूंगा तो ये 25 और 45 बनेगा, तो ये आपका क्या बन सकता है, ये आपका 5/9 हो जाएगा, ये आपका 5/9 हो जाएगा, ठीक है 5/9 अगर हो जाएगा तो यहां पे 5/9 क्लियरली इसकी वैल्यू हो गई, क्लियरली यहां पे इसकी वैल्यू। सेकंड रो पे आइए, सेकंड रो पे 4 और 19 क्या है, 4 आपका इवन है और 19 आपका प्राइम है भाई, ये तो प्राइम वाला रूल यहां पे लग गया ना, प्राइम वाला रूल यहां पे लग गया, तो सेकंड नंबर फर्स्ट का क्या हो जाएगा, यानी 19 और 4 आपका 15 के बराबर होगा, तो ये आपका 15 और यहां पे 21, तो अब 15 हुआ और अब आपका 21 हुआ, यानी ये दोनों अगर मैं देखूंगा 15 आपका ऑड ही है और 21 आपका कोई स्क्वायर भी नहीं है, आई थिंक ये ऑड और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूल फॉलो करेगा, यस ऑड और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रूल फॉलो करेगा, तो 15 और 21 को हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे कितना बनेगा भाई, 20 या मैं कहूं कि 15 दूनी 30 300 और ये आपका 315, और फिर अगर मैं दोनों को यहां पे डिवाइड कर दूंगा आई थिंक 315 और ये आपका 5/9, देखो हमारी गणित सही है, 315 ही आएगा ना, गणित सही है,
तो अगर मैं इसको यहां पे प्रॉपर कट करूं, 9 3 27, 9 9 3 27, ये 3 होगा और ये बचेगा 4, तो 9 5 45 और 5 25, 5 3 15, एकदम सही है। क्या हो जाएगा? 175, सही है ना जी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत बहुत जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन उनसे हम ये सीख सकते हैं कि कुछ कर गुजरने की अगर आपके अंदर क्षमता है, तो आपका बैकग्राउंड, आपकी परिस्थिति, आपके आसपास के लोग, कुछ भी, कोई भी मैटर नहीं करता। कुछ कर गुजरने की आपके अंदर क्षमता है, तो आपके आसपास के लोग, परिस्थिति और क्या है, अप्स एंड डाउन, कुछ भी मैटर नहीं करता। और ये आपने देखा होगा, नेताजी ने ऐसा किया था और अपने जीवन को कहां से कहां पहुंचा दिया। राइट, ओके, चलिए। सो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से इसका लॉजिक क्रैक कर लीजिए, लॉजिक क्रैक कर लीजिए और रीवा का मतलब बता दीजिए। गुड मॉर्निंग जतिन सर। देखिए जतिन सर, मैं आपको बता दूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे मेंटर भी हैं। तो वो मेरे अच्छे मित्र इसलिए हैं क्योंकि मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूं, क्योंकि वो मेरे एक प्रकार से आपके भी मेंटर हैं और हमारे भी मेंटर हैं। तो हम लोग हर कुछ नया, मतलब जतिन सर की एक बेस्ट पार्ट पता है क्या है, कि वो मैथ्स पढ़ाते नहीं है, वो मैथ्स आपको ना आपके जहन में सिखा रहे होते हैं। तो ये हर किसी का टैलेंट नहीं है भाई, ये केवल आपको जतिन सर, इसलिए आपने कभी नोटिस किया होगा कि हम और जतिन सर मतलब यूजुअली बड़े एक काम माइंड के साथ, चाहे क्लास सेशंस हो या कभी आप यूट्यूब देखें। तो मैं इस चीज को जरूर कहूंगा कि मैथ्स के लिए बिल्कुल आपको जतिन सर के अलावा कहीं और जाना ही नहीं है, क्योंकि इतना काम माइंड से अगर कोई पढ़ा सकता है तो वो आई थिंक जतिन सर है, इनके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। चलिए, और कल सर का सेशन भी था, आप लोगों ने आपको याद होगा कल जतिन सर ने सेशन भी लिया था। मेरे भी कुछ डाउट्स थे तो मैं भी वहां पे सर से पूछ रहा था, हालांकि वो मेरे डाउट्स को देख के भी आंसर नहीं कर रहे थे, लेकिन सर ऐसा मत किया करिए सर, आपके स्टूडेंट हैं हम भी, हमारे भी कुछ डाउट रहते, उनको भी पढ़ लिया करिए सर। चलिए एक बार देखते हैं क्या बोल रहे हैं, बहुत लोग यहाँ पे आंसर आ गए हैं। जैसे यहाँ पे वर्ड है आपका वॉस, लेट सपोज यहाँ पे हमने वॉस वर्ड ले लिया, कई लोगों का यहाँ पे आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका। अगर मैं यहां पे बिल्कुल देखूं तो आपका पहला लॉजिक यहां पे ये कहता है, पहला लॉजिक आपका यहां पे ये कहता है कि अगर मैं फर्स्ट लेटर को देखूं तो फर्स्ट लेटर का आप यहां पे ऑपोजिट ले लीजिए, फर्स्ट का आप ऑपोजिट ले लीजिए और प्लस वन करेंगे तो यहां पर आपका ई आ जाएगा, यहां पर आपका ई आ गया, तो W का ऑपोजिट आपका D, D प्लस वन, यहां क्या ये हर जगह फॉलो करेगा? जैसे Q का J है तो J के बाद K आएगा, बिल्कुल ठीक है। आपका B का Y, Y प्लस वन यहां पे Z आ गया, आपका यहां पे R का I, I प्लस वन यहां पे J आएगा, आपका यहां पे C, C का X और X प्लस वन Y, तो यस बिल्कुल रूल ठीक है, रूल मैच कर रहा है, रूल आपका मैच कर रहा है। आगे देखिए अगला रूल यहां पे क्या कहता है, अगला रूल यहां पे ये है कि इसके साथ E के साथ आपको यहां पे 19 दिख रहा है, मतलब 19 का सिंपल मतलब ये है कि लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू 19 हो गई, एकदम 19 हो गई, और आपको सिंबल यहां पे जो हैश है वो आई थिंक आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दो ही सिंबल जब दिए हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपका इवन ऑड का खेला होता है। वैसे मतलब सिंपल यहां पे अगर ऑड आपका दिया है तो ऑड मतलब यहां पे आपका हैश हो जाएगा, एकदम ठीक है, ये वैल्यू आपकी सही हो जाएगी। यानी हमने क्या समझा, फर्स्ट लेटर के ऑपोजिट का प्लस वन, लास्ट लेटर की प्लेस वैल्यू और इवन ऑड का खेला। एक कोई वर्ड और ले लीजिए, चीजों को और अच्छे से क्लियर करते हैं। जैसे यहां पे वर आपका यहां पे वर्ड है तो अगेन W का ऑपोजिट यहां पे आपका D, D प्लस वन यहां पे E और E की प्लेस वैल्यू यहां पे 5 होगी, और चूंकि आपके यहां पे इवन है मतलब यहां पे एट द रेट हो जाएगा, यानी 5@ E इज द राइट ऑप्शन, 5@ E इज द राइट ऑप्शन। सेम वे में रीवा यहां पे लिखा हुआ है, अब रीवा का मतलब क्या होगा, R का ऑपोजिट I, I प्लस वन यहां पे J, A की प्लेस वैल्यू 1 होगी और 4 है मतलब एट द रेट हो जाएगा, तो यस यही आपका क्लियर आंसर बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। सो पहली पजल आपके सामने यहां पे दी हुई है, आपको बताना है इसे किस टाइप से
ये देखो कॉन्सेंट्रिक पजल है, इसका बेसिक स्ट्रेटजी मैंने कल भी आपको बताया था। दो अलग अलग यहां पे, गुड मॉर्निंग निधि हाउ आर यू, दो यहां पे अलग अलग कंसेंट्रिक स्क्वायर पजल है। चार लोग जो है वो जाहिर सी बात है अंदर, चार लोग बाहर। अब जाहिर सी बात है अंदर वाले बाहर फेस करेंगे, बाहर वाले अंदर फेस करेंगे। अब ये कहां पे आएगा वो आपको प्रॉपर पता लगाना है। मैंने इसकी बेस्ट टेक्निक आपको बताई है, मैंने ऐसे क्वेश्चंस की बेस्ट टेक्निक आपको बताई है कि आपको इन क्वेश्चंस की बेस्ट अप्रोच कैसे करनी है। सो स्टार्ट करते हैं, देखो देख लेते हैं, कुछ ब्लड वाला स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है उसको भी बनाते हुए चलते हैं, क्या पता बन जाए, अच्छा है बन जाएगा। तो देखिए 8 लोगों को मैंने ऐसे बना लिया, तो ये 8 लोग इस टाइप से हो गए, ठीक है, तो ये ऐसे आपके बन गए, ठीक है। अब आपको पता है कि बाहर अंदर वाले सब बाहर फेस करेंगे, और इसका उल्टा भी ठीक होगा कि ये सब कंफर्म क्या कहते हैं अंदर फेस कर रहे होंगे। अब कौन कहां पे उसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई स्टेटमेंट नहीं, मैं बाय डिफॉल्ट 2 पॉसिबिलिटी बना देता हूं। एक पॉसिबिलिटी रिस्क है ना, रिस्क वाला काम फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें नंबर चुराने हैं भाई, नंबर चुराने हैं। सो बताएं, पहला पहला स्टेटमेंट पे आते हैं। कह रहे हैं कि टी के इमीडिएट राइट में क्यू होगा, तो आप मान लीजिए, आप लेट सपोज ऐसे मान लीजिए कि अगर आपने टी को यहां रखा तो क्यू आपका यहां पे हो जाएगा। क्यू जो है वो वी को फेस कर रहा है, तो क्यू वी को फेस ऐसे करेगा, वी और आर के पति, तो वी और आर के पति में एक का गैप होगा, तो वी यहां पे यानी आर फीमेल और आर के पति कंफर्म यहां पे आ जाएंगे। अब ये कौन होंगे वो हमें नहीं पता, मदद करिए, जिनका आंसर हो जाएगा मेरी मदद करिए, मुझे बिल्कुल नहीं आता। और देखिए डब्ल्यू जो है वो आर के नेबर को फेस करेगा, यानी आर जहां भी होंगे आर के किसी एक नेबर को यहां पे डब्ल्यू फेस करेंगे। लेकिन अब इसको हम कहां रखें अभी मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और देखिए डब्ल्यू इज नॉट द स्पाउस ऑफ टी, मतलब डब्ल्यू और टी कभी भी मैरिड कपल नहीं होंगे। और देखिए P कभी W या R को फेस नहीं करेगा, सो W या R यानी W जहां भी R जहां भी, इन दोनों के सामने कभी भी आपका यहां पे P नहीं आएगा। S जो है वो P का नेबर, तो भाई P का नेबर यहां पे S आएगा, लेकिन हम इसको कहां रखें अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं। और देखिए P जो है वो सेंटर फेस करेगा, मतलब P अगर सेंटर फेस करेगा मतलब P बाहर होगा, P बाहर होगा, ये बात क्लियर हो गई ना। अब मेरी बात समझिए, आपको पता है कि P अगर बाहर, P और S, अब P अगर बाहर तो S भी बाहर होगा, यानी P और S बाई डिफॉल्ट आपने यहां रख लिए, P और S बाई डिफॉल्ट आपने यहां रख लिए। अब कह रहे हैं कि R का कोई एक नेबर, R का कोई एक नेबर यहां पे W को फेस करेगा, सो R का कोई एक नेबर W को फेस करेगा, तो कुछ तो कंडीशन गड़बड़ हो रही है ना, कुछ तो कंडीशन आपकी यहां पे गड़बड़ हो रही है। कि आप अगर लेट सपोज यहां पे दिस है यहां पे दिस है, तो R या तो यहां पे आएगा या तो यहां पे आएगा। क्या इसके बगल में कोई भी जो पर्सन है क्या वो कभी फेस कर सकता है क्या डब्ल्यू को, क्या वो कभी डब्ल्यू को फेस कर सकता है? शायद नहीं, क्योंकि ये कंडीशन मेरी गड़बड़ हो रही है। अब जब ये कंडीशन गड़बड़ हो रही है, तो आप एक काम करिए, आप सिंपल कुछ 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 ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, इसको मिटा दो, इसको केवल मिटा दो, एक बार लाइन को अंदर के अकॉर्डिंग पढ़ लो, एक बार लाइन को अंदर के अकॉर्डिंग पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। जैसे अगर मैं अब करूं टी के इमीडिएट राइट में क्यू, लेट सपोज टी को यहां रखा, क्यू को हमने यहां कर दिया, क्यू के सामने यहां पे वी हो गया। अब कह रहे हैं कि वी और आर के पति में एक का गैप होगा, सो वी और आर के पति, तो ये आर के पति यहां पे आएंगे, आर के पति यहां पे, अब ये कहां पे आएगा उसके रिगार्डिंग, अरे क्यू और टी से ही स्टार्ट किया है हिमानी, क्यू और टी से ही स्टार्ट है। W जो है वो R के नेबर के सामने आएगा, तो ये हमने किया हुआ है। W और T मैरिड कपल नहीं होंगे, P कभी W और R को फेस नहीं करेगा, तो ये भी हमें पता है। P जो है वो किसका नेबर है, S का, और P कंफर्म कहां पे आएगा, P सेंटर फेस करेगा, तो P अगर सेंटर फेस करेगा तो आपको भी ये पता है कि P अगर सेंटर फेस करेगा और P के सामने W, लेट सपोज मान लीजिए टी को मैंने यहां रखा, क्यू को यहां किया और यहां पे वी आ गया, तो एक कंडीशन में मान लीजिए पी को मैं यहां रखूं और एक कंडीशन में मान लो मैंने यहां पे आर के पति को पी बना दिया, आर के पति को पी बना दिया, पी के बगल में एस, इस वाली कंडीशन में एस केवल यहां बनेगा, इस वाली कंडीशन में एस यहां भी आ सकता है, एस आपका यहां भी आ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी। कह रहे हैं कि
आर के नेबर के सामने कहीं पे डब्ल्यू आएगा, तो आपको पता है कि अगर आप क्यू यहां पे है, टी आपका यहां पे है, तो आर को आप यहां कर नहीं सकते क्योंकि पी के सामने होगा। आर को आप यहां करेंगे तो ना तो इसके इस बगल के सामने यहां डब्ल्यू आएगा, ना तो इस बगल के सामने यहां डब्ल्यू आएगा, मतलब ये पॉसिबिलिटी गलत। तो अगर मैं इसको फिक्स करूं तो R की मेरे पास इसमें एक कंडीशन ये है कि R को मैंने यहां रख दिया, इसके बगल के सामने यहां मैं W कर दूं, ये कंडीशन हो सकती है। तो S अगर आपका फिक्स हो गया तो आपके पास फिर एक भाई साहब कौन बचे, एक भाई साहब क्या, क्या 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 नाम नहीं है क्या यहां पे, क्या नाम नहीं पता क्या, एक भाई साहब कौन बचे, क्या वो भाई साहब पता है क्या हमें कौन है जिसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। यू कहीं दिया है क्या, कहीं पे दिया है क्या, चलिए मान लेते हैं वैसे P Q R S T, तो हम यहां पे U को ही मानेंगे, सिंपल यहां पे U को ही मानेंगे। आई थिंक ये सही होगा, ये सही होगा, क्या है फर्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन। देखो दोनों तरीके ठीक हैं, कहीं से भी देखो लक्ष्मी, दोनों तरीके ठीक हैं, दोनों तरीके ठीक हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, उस कैटेगरी से भी हो जाएगा। ये थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन है जहां से आप चीजों को इनहेंस करके कर सकते हैं ताकि आपका दोबारा गलत ना हो। हालांकि जहां पे पहली कंडीशन गलत हुई थी मैं उसको भी कट ना करता, मैं जस्ट पलट देता क्योंकि पलटने वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ा डिटेल कर दिया कि आपको अच्छे समझ में आ जाए, राइट। ओके ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, So, ये है आपका क्या, ये है आपका रिवर्स इलॉक। मैंने इसके तरीके आपको बताए हैं कि रिवर्स इलॉक के तरीके क्या होते हैं, किस टाइप से निकालना होता है। जैसे मैं आपको कहूं कि इन दोनों में आपको किसको पहले पहली लाइन मान के चलना है, तो आप मानिए पहले इसको, इसको आप चेक कर लीजिए कैसे बनेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ध्यान से। समय लो, है ना, समय लो, स्पीड में नहीं करना है क्योंकि मेंस चल रहा है, स्पीड आपके काम नहीं आएगा। यस यस यस, अरे अरे मंडल जी को यार टेलीग्राम की मदद कर दो भाई। कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, जल्दी हम बिल्कुल करवाना भी नहीं चाह रहे हैं आपसे। स्पीड में करोगे मेंस में दिक्कत हो जाएगी ना, स्पीड नहीं कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। नहीं हर जगह वैलिड होगा, आरती हर जगह वैलिड होगा, पलट देने वाला लॉजिक हर जगह वैलिड होगा, कंसेंट्रिक में हर जगह वैलिड होगा वो। हाँ ना कहो सम पीपल इनसाइड आउटसाइड हो जाए, वो वैसे ऐसा नहीं होगा क्योंकि बहुत खतरनाक लॉजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलेगा। लेकिन सिंगल डायरेक्शन होती है, अंदर वाले बाहर देख रहे हैं, बाहर वाले अंदर देख रहे हैं, तो हर जगह वो लागू होगा। देखिए अगर मैं डॉलर और येन में जाऊं तो मुझे क्या पता है कि अगर ऑल की पॉसिबिलिटी डॉलर और येन की सही हुई है, मतलब स्टेटमेंट में या तो सम डॉलर आर येन होगा या तो डॉलर और येन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मेरी बात समझिए। कुछ डॉलर यहां पे रुपी है और कुछ रुपी यहां पे युआन है, यानी डॉलर का कुछ पार्ट कभी भी यहां पे क्या नहीं होगा, युआन नहीं होगा, और सारा येन अगर युआन है, समझिए सारा येन अगर युआन है तो आपको पता है सारा डॉलर कभी युआन नहीं हो सकता, सारा डॉलर कभी युआन नहीं होगा, तो पहला तो गलत हो गया भाई। और देखिए सारा डॉलर यहां पे रुपी है, कोई भी रुपी यहां पे येन नहीं है, तो आपको क्लियर है कोई भी डॉलर यहां पे येन नहीं होगा, और जहां पे नो है वहां पे पॉजिटिव कभी हो नहीं सकता। अगले पे आइए, सारा डॉलर यहां पे रुपी है, कुछ रुपी यहां पे युआन है, और सारा युआन यहां पे येन है। देखिए यहां पे आपका ये तो सही हो जाएगा, ये तो सही हो जाएगा, लेकिन सेकंड वाला इसलिए गलत है क्योंकि स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है, स्टेटमेंट पूरा पॉजिटिव है, और जब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन कभी सही नहीं होगा, इसलिए आपका थर्ड वाला भी गलत हो गया। अगले पे आइए, अगला यहां पे ऑल डॉलर आर रूपी, सम रूपी आर युआन एंड नो युआन आर येन, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको डॉलर और येन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं, डॉलर और येन के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो पहला सही हो गया। और आपको यह पता है कि रूपी का जितना पार्ट युआन है वो कभी येन नहीं होगा, यानी सेकंड वाला भी ट्रू हो जाएगा। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एकदम ठीक है, एकदम सही है। नेक्स्ट पे आइए, बिल्कुल इतना ही है भाई, रिवर्स लॉग इतना ही है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं रिवर्स में। चिन्मयी इस वाले इस टाइप के क्वेश्चंस में ही हम मार्क्स चुरा सकते हैं,
यही वो क्वेश्चन हैं जो आपको नंबर दिलाएंगे, यही वो क्वेश्चन हैं जो आपको 30 एटलीस्ट 30 35 और आप ये श्योर होइए अगर आप 35 क्वेश्चन कर ले रहे हैं ना, मतलब आपका मेंस कोई नहीं रोक सकता भाई। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल रीजनिंग, मतलब बाकी सब में भी थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप रीजनिंग में 35 मार्क्स लगभग कर ले रहे हैं तो आप ये श्योर हुई है कि आपका मेंस कोई रोक नहीं सकता। फिर तो मतलब ब्रह्मा ही आएंगे एक बार, और तो किसी की हिम्मत है नहीं। देखो मैं इसमें क्या करता हूं, मैं नेगेटिव इंफॉर्मेशन को लेकर चलता हूं, क्या पता नेगेटिव से काम बन जाए। सो नो पेन इज इरेजर, तो पेन से इरेजर क्या दिया हुआ है, नो पेन इज पेंसिल, सारा पेंसिल यहां पे आपका क्या है, इरेजर है। तो मुझे यह पता है इरेजर का उतना पार्ट जितना पेंसिल में है, इरेजर का उतना पार्ट जितना पेंसिल में है वो कभी पेन नहीं होगा। मतलब सम नॉट की इंफॉर्मेशन है, और सम नॉट कभी ऑल नॉट से कनेक्टेड नहीं होता है। ऑल नॉट से सम नॉट कनेक्टेड हो जाएगा, डैडी से बेटा कनेक्टेड हो जाएगा, बेटे से डैडी कनेक्टेड नहीं होंगे, तो पहला गलत हो गया। अगले पे आइए, नो पेन इज पेंसिल, सारा इरेजर अगर पेंसिल के अंदर होगा तो यस, अब ये बन जाएगा, क्योंकि कोई भी पेन अगर पेंसिल नहीं है, सारा इरेजर पेंसिल के अंदर, यानी कोई भी पेन यहां पे इरेजर नहीं, ये तो फॉलो करेगा। सम पेंसिल आर स्टेंसिल्स, तो आपको पता है कि अगर सारा इरेजर यहां पे पेंसिल और कुछ इरेजर यहां पे स्टेंसिल और सारा इरेजर अगर पेंसिल, तो यस पेंसिल और स्टेंसिल का यहां पर रिलेशन बन जाएगा, पेंसिल स्टेंसिल का रिलेशन बन जाएगा, यानी सिंपल आपका बी ऑप्शन, तो यस बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम आपका सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर। अगले पे आइए, अगला क्या बोल रहे हैं, इसको बताएं क्या बोलेगा, ध्यान से करो, है ना, ध्यान से करो। ये वो सवाल है जो आपको मार्क्स दिलवाएंगे, राइट। आपकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता, मैं इसको पकड़ता सम वाले को, क्योंकि जहां पे कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी सम में लगी है, मतलब स्टेटमेंट में दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं होगा, जरूरत नहीं है। वही तो मैं समझा रहा हूं मॉन्डल जी, यही तो समझा रहा हूं कि मेंस में ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को ये एक्सपेक्टेड होता है कि आपने प्रिलिम्स में सिलॉग का बेसिक पढ़ लिया है, तो अब आप इसको दिमाग से भी कर सकते हैं, और वही मैं भी करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है स्टिल जो मैं समझाता हूं सिलॉग में ये कई लोगों को दिक्कत हो जाती होगी, लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा भाई अपने आप से। ओके सी ऑप्शन, क्योंकि देखो स्पीड नो डाउट मैटर नहीं करेगी, लेकिन जब आप ऐसे अगर 5 क्वेश्चन आपके आ गए उसमें आप 15 मिनट दे दोगे तो ये आपकी होशियारी नहीं कहलाएगी भाई, मूर्खता ही कहलाएगी। भाई 5 क्वेश्चन आ गए, आपको पता कि आपसे बनता है, लेकिन आप 15 मिनट दे दिए, 10 मिनट दे दिए, तो ये आपकी मूर्खता ही कहलाएगी। समझो, नेकलेस से एंकलेट्स, तो पहले नेकलेस और एंकलेट्स को देख लो। अब देखो यहां पे दोनों का नो दिया हुआ है, अब जब दोनों का नो दिया हुआ है तो दोनों का पॉजिटिव कभी हो नहीं सकता, पहला गलत हो गया। अगला देखिए, ऑल रिंग्स आर नेकलेस, नो नेकलेस आर गार्डलैंड एंड सम गार्डलैंड आर एंकलेट, तो आपको पता है एंकलेट का वो पार्ट जो गार्डलैंड में है वो आपका नेकलेस नहीं होगा, यानी कुछ तो नहीं होगा, ये हमें पता है। अच्छा, नेकलेस से एंकलेट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि सम नॉट तो आपका वन साइडेड होता है, अदर साइड से हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, यानी आपका ये तो सही हो गया। अब गार्डलैंड और क्या कहते हैं उसमें आइए, रिंग में आइए, सारा रिंग यहां पे नेकलेस है, और कोई भी नेकलेस अगर गार्डलैंड नहीं होगा, यानी रिंग और गार्डलैंड का नेगेटिव हमें क्लियर हो गया, रिंग और गार्डलैंड का यहां पे नेगेटिव क्लियर हो गया, तो आपका सेकंड वाला भी गलत हो गया। और देखें, अब अगर मैं इसको समझूं, क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं कि ऑल गार्डलैंड आर रिंग, पहले इसको बना लेते हैं, सम रिंग आर नेकलेस, ठीक है, कोई भी नेकलेस गार्डलैंड नहीं, ठीक है, और सम गार्डलैंड जो है वो एंकलेट होगा, तो आपको ये पता है कि रिंग का वो पार्ट जो नेकलेस में है वो कभी भी गार्लैंड नहीं होगा, यानी सम नॉट एक साइड सही है कि रिंग का उतना पार्ट जितना नेकलेस में है वो गार्लैंड नहीं होगा, लेकिन गार्लैंड से रिंग के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि सम नॉट केवल वन साइडेड होता है। इसका मतलब ये है कि आपका ये तो सही हो गया। सेकंड वाला देखिए क्या आपका बन जाएगा, वेरीफाई, देखो अगर तुम बहुत डाउट में हो फ्लेम तो मैं कहूंगा कि आपको डायग्राम बनाना चाहिए, मेरे हिसाब से वैसे डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, लेकिन फिर अब जब कुछ कोई ऑप्शन नहीं तो आपको डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। और देखिए,
आप कह रहे हैं सम नेकलेस आर एंकलेट्स, तो नेकलेस और एंकलेट्स कहां पे है? नेकलेस, कोई भी नेकलेस यहां पे गारलैंड नहीं, और गारलैंड का कुछ पार्ट यहां पे एंकलेट, इसका मतलब ये है कि एंकलेट का वो पार्ट जो गारलैंड में है वो कभी नेकलेस नहीं होगा, यानी सम नॉट अगेन ये सही है। तो अदर साइड से मतलब नेकलेस से एंकलेट साइड में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू होगी, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। इज इट डन? Is it done? Clear? ठीक है, I hope आपको ये clear हुआ होगा। Okay, चलिए next। इसको बताएं। देखो मैं नहीं समझता कि आपको इसमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता है, मैं नहीं समझता हूं। ध्यान से करें क्या बनेगा। तुरंत एक बार देखिए क्या कह रहे हैं। देखो आपको लेमोनाडे और मिल्क का नेगेटिव इंफॉर्मेशन देखना है। आपको क्या पता है, अगर मैं मिल्क से लेमोनाडे जाऊं तो आपको पता है सारा मिल्क यहां पे जूस, कुछ जूस यहां पे लेमोनाडे, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि मिल्क और लेमोनाडे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, और जहां पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं वहां पे आपका नेगेटिव डेफिनेट कभी हो नहीं सकता। गलत हो गया। अगले पे आइए। सारा मिल्क यहां पे जूस, कोई भी जूस यहां पे लेमोनाडे नहीं, यानी सारा मिल्क जूस के अंदर, एंड नो जूस इज एल, यानी कोई भी मिल्क यहां पे एल नहीं होगा। ये तो आपका फॉलो होगा। इसको देखते हैं, कह रहे हैं कि सम लेमोनाडे आर कॉफी। अब देखिए आपको पता है कि मिल्क का कोई भी पार्ट लेमोनाडे नहीं, तो कॉफी का कुछ पार्ट अगर लेमोनाडे, तो हमें यह पता है कि कॉफी का जितना पार्ट एल में होगा वो कभी मिल्क नहीं होगा। कॉफी का जितना पार्ट यहां एल होगा वो कभी मिल्क नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप जब कॉफी से मिल्क जाएंगे तो आपको सम नॉट तो क्लियर पता है, सम नॉट तो क्लियर पता है, राइट? ठीक है, अब जहां पे सम नॉट है वहां पे सम की पॉसिबिलिटी अपने आप सही हो जाएगी, मतलब बी ऑप्शन। ऐसा इसलिए होता है अरिजीत श्रीवास्तव, क्योंकि यहां पर जब आप फंसते हैं तो बैकएंड में अर्पित सर बैठे होते हैं, आपको एक टाइमर दिए, और टाइम जैसे आप फंसे तो तुरंत अर्पित सर ने पीछे आते हैं, सर ये लॉजिक था, हो ये दिक्कत थी। वहां पे अर्पित सर नहीं होते, तो वहां पे आपको अर्पित सर को थोड़ा साइड करके पढ़ना होता है, वहां पे आपको अर्पित सर को थोड़ा साइड करके पढ़ना होता है, राइट? देखिए कई सेक्शंस को अभी मैं अगर मैं यहां बोलूं तो आपको लॉजिकल के कई सेक्शंस को एग्जाम में प्रॉपरली देखिए, अगर आप डाउट में है तो आपको नहीं करना है, सीधी सी बात है। और जिस जिन 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 टाइप को मैं यहां पे आपको सिखा रहा होता हूं उसको मैं समय केवल इसलिए देता हूं ताकि एक बार आप ट्राई करें, क्योंकि आप ही तिल्लास इंपॉर्टेंट है, अहम ब्रह्मास्मि यहां पे आप ही हैं, हम नहीं हैं। ओके, बी ऑप्शन अगेन देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि सम कार आर नॉट ट्रक, पहले कार से ट्रक हम नेगेटिव देख लेते हैं। देखो सारा कार यहां पे स्कूटर, कोई भी बस यहां पे स्कूटर नहीं, और कुछ बस यहां पे ट्रक होंगे, तो आपको क्या पता है कि कोई भी कार यहां पे बस नहीं होंगे, और आपको यह पता है कि कुछ बस अगर ट्रक है तो ट्रक का कुछ पार्ट कार नहीं होगा, कुछ बस अगर ट्रक है तो ट्रक का कुछ पार्ट कार नहीं होगा। यहां पे कार से ट्रक के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो पहला सिंपल गलत। अगले पे आइए, सारा कार यहां पे स्कूटर, कोई भी ट्रक यहां पे स्कूटर नहीं होगा, यानी हम श्योर है कि कोई भी कार यहां स्कूटर नहीं होगा, सॉरी कोई भी कार यहां पे ट्रक नहीं होगा, और कोई भी कार अगर ट्रक नहीं होगा, यानी कोई भी सॉरी जहां पे ऑल नॉट है वहां सम नॉट अपने आप सही हो जाएगा, यानी ये तो आपका ट्रू हो गया। अगले पे आइए, सम बस आर ट्रक, तो बस से ट्रक हमें सम बताना है, तो भाई जहां पे सारा ट्रक आपका बस होगा वहां कुछ बस अपने आप आपके ट्रक हो जाएंगे, यानी आपका ये भी सही। तो सिंपल आपका बी ऑप्शन, सिंपल आपका बी ऑप्शन यहां पे सही जवाब हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए, सो आपके सामने एक मशीन दिख रहा है ना, और इसके आपको केवल सारे स्टेप करके मुझे आपको बताने हैं,
नहीं आपको मुझे बताना है, उल्टा मैं बोल गया। मदद करें, मदद करें। तीन नंबर हैं एक साथ भाई, तीन नंबर हैं। इसे मशीन कहते हैं, आरती। इसकी लैंग्वेज में ये मशीन कहलाता है। बताएं, देखो यही डिफरेंस है मॉक में। जब आप मॉक में, अगर मैं एक क्वेश्चन आपको मॉक में दूं तो आप क्या करेंगे, आप पांच नंबर को स्किप कर देंगे, ऐसे करेंगे ना। तो बस वही डिफरेंस है कि लेवल सब में सेम होता है, बस वहां पे ये है कि यहां बैकएंड में मैं हूं। एक टाइम का आपको पता है कि अर्पित सर मदद कर ही देंगे। कोमल इसलिए कहता हूं रेगुलर क्लास का बहुत महत्व तो होता है। मैं जिन चीजों को एश्योर करके एक चीजों को प्लान करता हूं ना, आप इस चीज को जितना जल्दी समझ जाइए उतना बेहतर है कि वो 90% सेम वे में एग्जाम में पूछता है, वो 90% सेम वे में एग्जाम में पूछता है। बताएं स्टेप नंबर वन क्या बनेगा। चलिए आई थिंक 2 मिनट सफिशियंट है, राइट। पहले स्टेप पे मैं हेल्प कर देता हूं। किसी का भी आई थिंक पहला स्टेप नहीं आया अभी तक, किसी का भी पहला स्टेप यहां पर नहीं आया, एक बार देख लीजिए। देखिए पहला स्टेप यहां पे ये है, जैसे आपको पता है इन दोनों से मिलके, बहुत ध्यान से देखो, इन दोनों से मिलके ये तीन बने हैं। ये आपका पहला जो नंबर है वो चार है, और इधर का पहला नंबर तुम्हारा आठ है। चार और आठ क्या होगा सर? चार और आठ होता है 12, और 12 मतलब 1+2 क्या होगा सर? 1+2 होता है 3। तो 3 को कहां रखोगे? एनाने। 3 को कहां रखोगे? एनाने। अब तो सबको आ गया होगा, अब तो सबको आ गया होगा। बहुत बढ़िया, जानते हैं ना भाई, आपके आपके टैलेंट से हम वाकिफ हैं। आप सबका आ गया होगा। यहां पे आपका 3 है सेकंड, ये आपका 2 है, तो 3 और 2 को ऐड करोगे क्या होगा? ये आपका 5 आएगा। और अगर हम 5 और 3 को ऐड कर देंगे तो यस, ये आपका 8 के बराबर, राइट। यानी लेफ्ट और राइट को ऐड करो तो बीच का नंबर आ जाएगा, ठीक है। इसको हर जगह अप्लाई कर लो, क्या पता लॉजिक में जो बोल रहा हूं वो गलत होगा, तो हर जगह अप्लाई करेंगे। सो 7 और 0, 7 और 0 आपका बनेगा 7 के बराबर। 5 और 5 बनेगा 10, 10 मतलब 1+0 बनेगा आपका 1। और 7 और 8 को ऐड कर लो, ये होगा 8 के बराबर। सेम 1 यहां पे और 1 यहां पे, ये 2 होगा, ये 9, ये आपका 6, 15, 15 मतलब 1+5, तो ये हो जाएगा 6, और 6+2 आपका बनेगा 8 के बराबर। तो भाई पहला स्टेप तो हो गया, चलिए पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में मदद करोगे? हाँ बिल्कुल ठीक है लक्ष्मी, एकदम सही लॉजिक है, एकदम सही लॉजिक है। सेकंड स्टेप आपका ये है कि जैसे आपका ये पहला पहला नंबर है 3, 7 और 2, तो 7, 3, 10 और 10 आपका 2 12, क्या ये सही है? गड़बड़ है क्या? ये सही गड़बड़ है? ये ऐसा फर्स्ट नंबर नहीं होगा आपका। यहां पे क्या है कि आप फर्स्ट एक एक खानों को लेके चलेंगे, एक एक खानों को आप लेके चलेंगे। जैसे आपने यहां पे 3 किया, 8 किया और 5 किया, तो 8, 3, 11, 5 आपका 16, 1+6 आपका 7 बनेगा। आई होप आपको ये क्लियर। सेम यहां देखिए 8, 7, 15, 15 और 1, 16, तो ये 16 यानी 1+6 आपका 7 होगा। 8, 2 आपका 10, अगेन 16, तो ये आपका बनेगा 7 के बराबर, ये आपका बनेगा 7 के बराबर, राइट। आई होप क्लियर। अगले पे आइए, अगले पे आपको क्या करना है, चूंकि आपको यहां पे दिख रहा है कि इन दोनों से मिलके, क्लियर यहां इंडिकेट कर रहा है, इन दोनों से मिलकर ये बनेगा, तो 7, 7, 14, 7, 7, 14, 1+4 = 5,
ठीक है, और यहां भी 1 + 4 इक्वल टू 5, ठीक है, और 5 और 5 यहां पे आपका 10, तो यस ये आपका सिंपल यहां बन गया, एवरेज आपने ले लिया और कुछ नहीं किया, एवरेज ले लिया आपने। तो इसलिए समझिए कहीं भी किसी भी जगह कोई क्वेश्चन आसान नहीं होता, कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, आपने प्रैक्टिस कितनी की बस वो इंडिकेट करता है कि आप चीजें कितने बेटर वे में समझ पा रहे हैं। जैसे अगर मैं इसको मॉक में देता तो शायद 90% इसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, तो 5 नंबर गवा दिए, अब उनको, अब उन सबको बड़ा आसान लग रहा है, क्यों? क्योंकि बाद में अर्पित सर ने बता दिया। तो मैं हमेशा ये बोलता हूं कि केवल क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल क्लास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद आपको आगे भी चलना है और उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक भी लगाना है, तब जाके आप लेवल पे आएंगे। सिर्फ मेरी क्लास करना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, है ना, ठीक है। जब आप साल भर पढ़ेंगे तो फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके आपका रिजल्ट आएगा, सीधी सी बात है, राइट। चलिए अगले पे आइए। सो एक और लॉजिक आपके सामने है, और ये वो है जो, मतलब ये ऐसे सवाल हैं जो नंबर चुराने में आपकी बहुत मदद करेंगे, ये वो सवाल है, मतलब यही आपको नंबर देंगे भाई। समय लो, कोई दिक्कत नहीं, समय लो एटलीस्ट आराम से, क्योंकि ये 5 क्वेश्चंस बनाते हैं, ये सवाल 5 क्वेश्चंस बनाते हैं एग्जाम में। अब जाहिर सी बात है जिस नहीं बना तो एग्जाम में छोड़ के आ जाओगे और कहोगे अरे सर बड़ा टफ था, क्या बताएं सर एग्जाम बहुत टफ था, यही चीजें हैं बस। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, कई लोगों का लॉजिक बिल्कुल ठीक है, एकदम सही कह रहे हैं, समझिए मेरी बात को। जैसे आपके सामने कोई कोई भी वर्ड ले लो, मान लीजिए पहले ले लिया हमने लॉजिक, लॉजिक का हमें लॉजिक बताना है, लॉजिक का हमें लॉजिक बताना है, एकदम ठीक कह रहे हैं आप लोग। पहला लॉजिक एकदम सही है कि अगर आप यहां पे, हाँ जैसे लेटर की अगर मैं बात करूं, लेटर आपका यह है कि लास्ट लेटर का जो ऑपोजिट है ना उसको आप बीच में रखिए, लास्ट लेटर का ऑपोजिट बीच में, जैसे सी का एक्स आपका ये बीच में है, जी का टी ये यहां बीच में है, डी का डब्ल्यू ये आपका बीच में है, और ई का वी ये आपका बीच में है, यानी लास्ट लेटर के आपके जो क्या कहते हैं ऑपोजिट है वो आपके बीच में आ गए। इसके बाद आपको जो नंबर, अब देखो एक्स के साथ नंबर यहां पे 14 है, तो 14 पता क्या है, 14 आपका है सेकेंड लेटर का माइनस वन, सेकेंड लेटर का माइनस वन प्लेस वैल्यू के सेंस में, सेकेंड लेटर ओ है, ओ की वैल्यू 15 होती है, माइनस वन करिए 14 हो जाएगा, क्लियर, ओके, समझ आई बात, ओके, आई होप आपको ये क्लियर। अब आपको यहां पे एन दिख रहा है, तो एन को आपको पता ही क्या करना है, एन को आपको करना है एल यहां पे है, एल का ऑपोजिट लेके आप कर दीजिए माइनस वन, फर्स्ट लेटर का ऑपोजिट लेके कर दो माइनस वन, तो वो एन के बराबर हो जाएगा, समझ आई बात। फिर एक बार समझो, लास्ट लेटर का ऑपोजिट आपका बीच में, सेकेंड लेटर का माइनस वन एज अ प्लेस वैल्यू, एंड फर्स्ट लेटर के ऑपोजिट का माइनस वन नंबर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। मान लीजिए कोई कोई भी और वर्ड लेते हैं, कुछ भी ले लो, लेट सपोज मान लीजिए हाई हमने ले लिया, हाई का क्या बनेगा समझिए, तो ये H का S आएगा, ये S आ गया, H का ऑपोजिट यहां पे S होगा, S का माइनस वन यहां पे R आएगा, तो S और R हो गया, और आपको पता है I की वैल्यू 9 होती है, 9 का माइनस वन करोगे तो ये 8 के बराबर, तो ये 8SR हो जाएगा, 8SR हो गया, और चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और कोई वर्ड लो,
सॉल्व ले लो, सॉल्व देख लो सॉल्व में क्या बनेगा, सॉल्व में क्या बनेगा, लास्ट लेटर का ऑपोजिट ये वी हो गया, एस का ऑपोजिट एच और एच का माइनस वन यहां पे जी, तो ये आपका वी के साथ यहां पे जी आ जाएगा, सही है ठीक है। और देखिए और यहां पे क्या बनेगा, इसके बाद अगर मैं ओ की वैल्यू देखूं तो ओ यहां पे 15 मतलब माइनस एक यहां पे 14 तो 14 हो जाएगा ठीक है, 14 हो जाएगा। आई थिंक यहां पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, चौदह वीजे, क्योंकि 14 वीजे हमें दिख नहीं रहा है। आई थिंक यहां पे मिस्टेक है, आई थिंक यहां पे मिस्टेक है जितना मैं देख पा रहा हूं, सही है ना, क्योंकि यहां पे जी नहीं होगा, यहां पे सॉरी यू नहीं होगा, वहां पे जी होगा, सही है ना, क्योंकि वो मिस्टेक बाय मिस्टेक वहां लिखा हुआ है। इसको और चेक कर लीजिए, और चेक, कोई दिक्कत नहीं, और हम चेक कर लेंगे। जैसे यहां पे नीड वर्ड है, नीड को देख लीजिए, तो क्या था, डी का डब्ल्यू ये बीच में आ गया, N का ऑपोजिट M होगा और M यहां पे माइनस वन एल होगा तो डब्ल्यू एल, और E का आपका यहां पे है 5 माइनस एक 4 तो ये 4 डब्ल्यू एल हो जाएगा, तो 4 हाँ सही है, मतलब वो बाई मिस्टेक लिख गया होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है ना, इसमें क्या ही कर सकते हैं यार, है ना। अब सेम वे में अगर कंप्यूटर का मतलब, तो आप क्या करेंगे, R का ऑपोजिट यहां पे I बनेगा, O का 15 माइनस वन यहां पे 14 होगा, C का ऑपोजिट X होगा, X का माइनस वन आपका W तो 14 आई डब्ल्यू, यानी A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये प्रॉपर वे में समझ में आया होगा। ओके डन क्लियर ठीक है ओके अगले सवाल का ये चलिए। तो ये आपका 12 बॉक्स है और ये सेम पैटर्न मैंने आपको करवाया भी था ठीक है। इसको एक बार, एक मिनट, मैं इसको चूंकि हटाने की आवश्यकता है ना ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, ओके हाँ, इस सवाल को देखें जरा क्या बोल रहा है, कैसे आपको निकालना है। यहाँ पे एक लाइन कॉन्ट्राडिक्ट की थी आई थिंक पहले, तो उसको मैं यहाँ पे प्रॉपरली हटाई देता हूँ। एक लाइन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हुई थी मुझे याद है, उसी पैटर्न का सवाल है। तो मैं क्या दिया हुआ है, 4/3, तो 4/3 का मतलब सिंपल ये है ना कि 4 आपका ऐसे और 3 आपका ऐसे, इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट ठीक है। स्टार्ट करते हैं सवाल को, ये वो सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, मतलब ये वो हैं जो एग्जाम मतलब पूछेगा ही पूछेगा ठीक है, समझिए। तो हमने यहां पे क्या किया, 4/3 पहले बना लिया, तो आप ऐसे ले लीजिए इसको, ये स्लाइक की ये आपका ऐसे, ये आपका ऐसे और ये आपका ऐसे ठीक ओके, उसके बाद ये आपका ऐसे और ये आपका ऐसे 4/3 ठीक है सही है। इसको देख लेते हैं, और हमेशा दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी से आंसर नहीं आएगा, एक पॉसिबिलिटी से आंसर नहीं बनेगा, सो ऑलवेज यू हैव टू टेक टू डिफरेंट पॉसिबिलिटी। हेल है, 4 बनाना चाहिए, हमने 3 ही बनाया, तो ये आपका सेकेंड यहां पे, और एक और बोले तो टू, मतलब ये 4 ऐसे हो गए, 3 ऐसे हो गए ठीक। चलिए पहली लाइन से स्टार्ट करते हैं, ई जो है वो एच के जस्ट ऊपर होगा सेम कॉलम पे, तो आप क्या करेंगे, एच के जस्ट ऊपर आपने ई कर लिया, कहां पे आएगा नहीं पता मुझे, कह रहे हैं कि यहां पे ए जो है वो एच के इमीडिएट क्या वेस्ट में आएगा, तो एच के इमीडिएट वेस्ट में यहां पे ए आ गया, तो ये आपका ऐसे बन गया। ए और जे में एक का गैप सेम कॉलम पे, तो ए और जे में एक का गैप सेम कॉलम पे, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है नहीं पता राइट। और देखिए अब कह रहे हैं यहां पे कि बी जो है वो जे के साउथ वेस्ट में होगा, सो जे के साउथ मतलब जे को हम जहां रखेंगे इसके साउथ वेस्ट में यहां पे कहीं पे बी आएगा, अब ये कहां पे वो हमें नहीं पता। कह रहे हैं कि बी और के में दो का गैप होगा सेम रो पे, सो बी और के में दो का गैप होगा सेम रो पे। और देखिए एल जो है वो के नॉर्थ वेस्ट में होगा, तो के नॉर्थ वेस्ट यानी के जहां भी उसके नॉर्थ वेस्ट में यहां पे एल बनेगा, के और एच कभी सेम रो पे नहीं आएंगे, तो के और एच कभी भी सेम रो पे नहीं आएंगे। अभी ऐसी एक भी इंफॉर्मेशन जिसको मैं पुट कर सकूं, M के साउथ वेस्ट में यहां पे F आएगा, सो M लेट सपोज मैंने यहां लिया, M के साउथ वेस्ट में यहां पे F आ गया, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं।
एम जो है वो सी के साउथ वेस्ट में होगा, तो एम सी के साउथ वेस्ट में होगा, मतलब सी के साउथ वेस्ट में एम, एम के साउथ वेस्ट में यहां पे एफ, एक का गैप एल और सी में आएगा सेम रो पे, तो एल और सी में एक का गैप यहां पे आएगा और ये सेम रो पे होंगे, अभी मुझे फिलहाल नहीं पता। जी जो है वो सी के ईस्ट में आएगा, तो सी के ईस्ट में कहीं पे आपका जी आएगा, लेकिन अभी ये कहां पे वो नहीं पता। अब मेरी बात समझिए, ये कंडीशन क्या बन सकती है, आपको बस एक चीज ये पता है कि आप कभी भी ए को आप कभी भी मिडिल पोजीशन पे नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर ए और जे में एक का गैप कहीं नहीं बनेगा, फिर ए और जे में एक का गैप कहीं नहीं बनेगा। तो आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि लेट सपोज मान लीजिए ई को मैंने यहां रखा, ई अगर मैंने यहां किया तो यहां पे एच होगा, एच के सामने यहां पे बगल में ए आ जाएगा, ए के सामने यहां पे जे, अब जे और बी, अब देखिए जे के साउथ वेस्ट में यहां पे बी, अब चाहे आप बी को यहां रखें या यहां रखें या यहां रखें या यहां रखें, तो आपको पता है बी और के में दो का गैप कभी नहीं बनेगा, बी और के में दो का गैप कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है कि आपकी ये पॉसिबिलिटी गलत। अगले पे आइए, अगला मान लीजिए ई यहां पे, ई के नीचे यहां पे ए, ए अगर यहां पे तो यहां पे आपका क्या कहते हैं ए यहां पे आ गया, जे आपका यहां पे, अब जे के अगर मैं करूं तो यहां दो पॉसिबिलिटी बनेगी, यहां पे बन जाएगी भाई, यहां पे आपकी बन सकती है, तो आप इसकी दो पॉसिबिलिटी बना लीजिए। सिंपल क्या किया आपने, आपने सिंपल यहां पे ई को रखा, ई अगर यहां पे है तो एच को किया, यहां पे ए यहां पे जे, तो आप अगर बी को रखेंगे तो दो छोड़ के यहां पे के, और अगर आप बी को यहां रखेंगे तो दो छोड़ के के, भाई मैंने तो दोनों पॉसिबिलिटी बना ली, मैं भाई रिस्क नहीं ले सकता। और देखें और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एल जो है के जो है वो एल के साउथ ईस्ट, तो एल के साउथ ईस्ट में के आएगा, सो भाई यहां तो एल कई जगह हो सकता है, एल और सी में एक का गैप, सी के ईस्ट में जी आएगा, सो एल और सी में एक का गैप। अब देखिए के अगर यहां पे है तो एल और सी, तो मेरे भाई एल और सी पक्का केवल यहां बनेंगे इस वाली पॉसिबिलिटी में, पक्का केवल यहां बनेंगे और कहीं हो नहीं सकते। अच्छा, और अगर हालांकि एल और सी यहां भी आ सकते हैं, एल और सी यहां भी आ सकते हैं, लेकिन आपको पता है सी के ईस्ट में जी नहीं आएगा, आपको पता है सी के ईस्ट में जी नहीं आएगा, तो नीचे वाला गलत हो जाएगा, यहां पे क्लियर आपका जी बन जाएगा। यहां अगर मैं देखूं तो अगेन एल और सी या तो यहां पे, उस हिसाब से जी कंफर्म यहां पे आएगा। अब आपको एक लाइन याद है, सी के साउथ वेस्ट में एम, एम के साउथ वेस्ट में यहां पे एफ, तो सी के साउथ वेस्ट में मान लो एम को मैं यहां तो कर दूं, लेकिन एम के साउथ वेस्ट में एफ आपका नहीं बनेगा, तो ये पॉसिबिलिटी यहां पे गलत, क्योंकि एम के साउथ वेस्ट में एफ नहीं होगा। तो आपके पास केवल एक पॉसिबिलिटी ये है, केवल एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि आप जो है वो सी को यहां पे रखिए, सी के साउथ वेस्ट में एम आपका यहां पे, एम के साउथ वेस्ट में यहां पे एफ होगा, फिर के अगर यहां पे है तो एल आपका यहां पे हो जाएगा, एल अगर यहां पे तो एक क्या बचा भाई, ए बी सी डी, डी डी बचा, डी आपका यहां पे आएगा और ए इसका आंसर। इज इट डन, समझ आई बात, समझ आई बात, हाँ हाँ, के और एच, खैर हाँ के और एस सेम रो पे भी आ गए थे, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं, वैसे वो हमने पढ़ा ही नहीं, उसको बाद में पढ़ते, लेकिन पहले ये एम सी और एफ वाली कंडीशन गलत कर दिया क्वेश्चन को, पहले ही ये एफ एम सी वाली कंडीशन यहाँ पे गलत हो गई थी। हाँ सही प्रिया, सही कह रही हो। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, ये सवाल भाई अगर ये सवाल आपके मेंस में आ गए, और ये आते भी हैं, मतलब ये समझिए कि हर दो पेपर के सेट में एक सेट ये जरूर आता है, तो ये आपके लिए छप्पर फार क्वेश्चन है, छप्पर फार क्वेश्चन है, देखिए देख के उड़ा दो ये क्वेश्चन, देखो देख के उड़ा दो, क्योंकि उसमें और कुछ है ही नहीं भाई, एक्स्ट्रा इन क्वेश्चन का कुछ लॉजिक ही नहीं होता। करिए जरा, छप्पर फार लॉजिक है ये। बताइए हमारे बगल जो गार्डन है, वो गार्डन भाई मैरिज गार्डन है ही नहीं, उस गार्डन को लिखना पड़ेगा मैरिज गार्डन कम पार्क कम कम बस स्टैंड कम चौराहा कम सब्जी मंडी, वो मैरिज गार्डन लाइक दिस।
चलिए समझिए क्या लिखा हुआ है। जैसे आपको पता है, देखिए ये मैं इतना आसान आपसे क्यों कह रहा हूं, समझिए मेरी बात को। जैसे अगर मैं ए से स्टार जाऊं, स्टार मतलब होता है कोई चीज छोटी नहीं होगी। अब ये मुझे आपको बहुत डिटेल समझाने की आवश्यकता नहीं, आपको पता है कि अगर तीन सिंबल है, बड़ा, छोटा और बराबर, और कोई चीज छोटी नहीं होगी मतलब कंफर्म या तो बड़ा या तो बराबर होगा, मतलब यहां पे क्लियर या तो ग्रेटर या तो इक्वल आएगा। यानी ए आपका कंफर्म ग्रेटर इक्वल आपका हो जाएगा, ठीक है। अब पी से परसेंटेज, परसेंटेज मतलब होता है छोटा और बराबर नहीं, यानी पी यहां पे बड़ा हो जाएगा ई के। E से दिस सिंबल मतलब होता है बड़ा और बराबर नहीं, यानी E छोटा हो जाएगा F के। और F का यहां पे हैश लगा है, हैश का मतलब है कि ये आपका छोटा बराबर S के हो गया। पहला यहां पे S परसेंटेज, परसेंटेज मतलब क्या होता है, ग्रेटर E। फिर यहां पे A ग्रेटर E और लास्ट में आपका F ग्रेटर P, ये तीनों सिंबल एक साथ मिल गए। तो अगर मैं आपको बनाऊंगा तो S से E यहां पे पहला सही हो गया, A से E आपका दूसरा सही हो गया, और F से P आपका यहां पे तीसरा गलत हो गया, यानी फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल ठीक है। मतलब इसको आप थोड़ा स्पीड में करिए ना, इसको तो मैं कह सकता हूं कि ये थोड़ा स्पीड का है, क्वेश्चन है। अरे एक है यार माइरिज गार्डन है एक तो, मतलब वो नाम का ही मैरिज गार्डन है। कल तो वहां पे वो मुंडको पात छादन हो रहा था। ये मैंने भी बहुत दिन बाद जाना कि इसका मतलब बरहों होता है। नहीं, कार्ड वार्ड आप कभी पढ़िए तो उसमें लिखा मुंडको पात छादन, इसका शुद्ध मतलब होता है कि बरहों, जैसे वो नहीं नया बच्चा पैदा होता है तो वो उसका है ना। क्या है इसका आंसर? आई थिंक ये 40 सेकंड का सवाल है, इससे ज्यादा तो उसमें कुछ है नहीं। देख लीजिए, जैसे E आपका यहां पे, हाँ मुंडन कह सकते हैं, नीलम बिल्कुल सही है। E से अगर आप डॉलर जाएंगे, डॉलर मतलब होता है बड़ा और छोटा नहीं, यानी E आपका यहां पे बराबर C के, E आपका बराबर यहां पे C के, C दिस सिंबल यानी बड़ा और बराबर नहीं, कंफर्म छोटा हो जाएगा A के। और देखिए आप कह रहे हैं A से स्टार आप जाएंगे तो स्टार मतलब होता है छोटा नहीं, यानी बड़ा बराबर R के, और R यहां पे हैश यानी कंफर्म छोटा बराबर S के हो जाएगा। तो ये टोटल ऐसे बन गया। L से अगर मैं परसेंट जाऊं, परसेंट मुझे क्लियर पता है कि ये L जो है वो बड़ा है A के, R कंफर्म छोटा होगा C के, और R यहां पे छोटा बराबर हो जाएगा E के। मेरी बात समझिए कैसा बनेगा। अगर मैं L से A, यहां पे यार L क्या, L क्वेश्चन में नहीं है क्या? देखो L जब क्वेश्चन में कहीं है ही नहीं तो आपको पता है पहला गलत हो गया। R से C अगर हम जाएंगे तो साइन ऑपोजिट, ये भी गलत हो गया, और R से E हम जाएंगे अगेन साइन ऑपोजिट, मतलब ये भी आपका गलत हो गया। तो अगर मैं यहां पे क्लियरली देखूं, अगर मैं यहां पे क्लियरली देखूं तो ये आपका आइदर नहीं बन सकता, आइदर नहीं बन सकता, क्योंकि सिंबल केवल दो ही है। अगर ये गलती से भी ग्रेटर हो जाता तो ये आइदर हो जाता, गलती से भी अगर ये ग्रेटर होता तो ये आइदर हो सकता था, क्योंकि C और E सिंगल यूनिट है, राइट ओके ठीक है। चलिए अगले पे आइए। हाँ नन आएगा, जब जो चीज नहीं है स्निग्धा तो वो तो गलत होगा ना। अगर आप सिंगल पॉसिबिलिटी, एग्जांपल आपको याद होगा मैंने कहा था चिरौंजी लाल, अब चिरौंजी लाल मुझसे केवल बड़े हैं तो वो गलत है, केवल छोटे हैं तो वो गलत है, केवल बराबर है तो वो गलत है। लेकिन हाँ मैं कह सकता हूं कि चिरौंजी लाल या तो बड़ा या तो छोटा या तो बराबर। यार टेलीग्राम की मदद कर दो भाई, हेल्प कर दीजिए भाई टेलीग्राम की। यार आयुष यहां पे आप कॉन्सेप्ट नहीं पूछ सकते यार दोस्त, क्योंकि 2 दिन बाद पेपर है भाई। बनने वाला है एक 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 हम मेंस का एक इंडिविजुअल बैच लेने वाले हैं, मैं आपको बता दूं रूपनारायण, मैं अपने शेड्यूल बता, एक मैं मेंस का भी रीजनिंग का एक बैच लूंगा, एक पजल सिटिंग का स्पेशल मैं बैच लेने वाला हूं, है ना, कोर्स पे आएगा, एक अपकमिंग SBI क्लर्क बनेगा, ठीक है, और IBPS फोकस्ड एक बैच मेरा आने वाला है। समझिए पहले क्या लिखा हुआ, हैश मतलब होता है छोटा बराबर, यानी M कंफर्म छोटा बराबर यहां पे Q के, Q डॉलर यानी बराबर यहां पे K के, परसेंटेज मतलब ग्रेटर यहां पे क्या है, A जो है वो ग्रेटर है K के, मतलब ये उल्टा होगा, A अगर ग्रेटर होगा K के मतलब K यहां पे छोटा हो जाएगा A के,
के यहां पे छोटा हो जाएगा ए के, और वी स्टार यानी वी जो है वो बड़ा बराबर ए के, यानी ए छोटा बराबर वी के। तो केस स्टार मतलब के आपका बड़ा बराबर, तो के यहां पे बड़ा बराबर एम के, बिल्कुल सही है, पहला सही हो जाएगा। ए यहां पे ग्रेटर है किसके, क्यू के, एकदम सही है, ये भी सही हो जाएगा। और ए यहां पे ग्रेटर है एम के, यस, ऑल फॉलो इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया, इसको बताइए। ये मतलब ये किस्मत है आपकी कि आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ये केवल मेंस में पूछता है, मतलब इसकी प्रायिकता 90% इसलिए है क्योंकि ये केवल मेंस में पूछता है। आपने कभी प्रीलिम्स में इस टाइप के सवाल ना देखे होंगे। और उसको मैं इसलिए जानबूझ के थोड़ा स्पीड में भी कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी उम्मीद है कि आप भी स्पीड में ही करेंगे। समझिए, एल से अगर मैं एन जाऊंगा तो एल से एन में यहां पे परसेंटेज, यानी एल आपका ग्रेटर यहां पे एन के, फिर एन यहां पे हैश है यानी ये छोटा बराबर आपका टी के, टी यहां पे डॉलर यानी बराबर यहां पे डी के, और डी दिस सिंबल यानी लेस हो जाएगा ए के। तो ये टोटल ऐसे बन गया। पहला देखिए, एल से ए आपका ग्रेटर है, तो एल से ए आपका ग्रेटर यानी सिंपल आपका पहला गलत, राइट। एल से हैश यानी ये आपका लेस इक्वल, तो ये भी गलत हो गया। ए से एन अगर मैं जाऊंगा तो ए से एन आपका तीसरा यहां पे फॉलो हो रहा है। तो आप देख रहे होंगे, पहला आपका एल से ए ग्रेटर है, सेकंड आपका एल से ए लेस इक्वल है। तो आपको एल और ए के बीच का एक तो साइन ऑपोजिट दिख रहा है, और जब साइन ऑपोजिट है तो आपको तीनों सिंबल की आवश्यकता, तो यस यहां पे तीनों मौजूद है, यानी आपका आंसर जो है वो आइदर आइदर वन और टू एंड थ्री फॉलोज, राइट। ये इस टाइप से आपका सवाल बन गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगले पे आइए, इसको बताइए क्या बनेगा। ध्यान से, कल आप लोगों का मैं लाइव टेस्ट लूंगा, पता है ना आप लोगों को, कल लाइव टेस्ट होगा आप लोगों का। देखिए, पी से अगर मैं दिस सिंबल का मतलब क्या हुआ, ग्रेटर यानी ये आपका हो जाएगा लेस हो जाएगा डब्ल्यू के, डब्ल्यू डॉलर यानी बराबर हो गया क्यू के, क्यू ग्रेटर होगा एस के, और एस आपका यहां पे हो जाएगा ग्रेटर इक्वल ए के। सो ए से डॉलर, ए से ये मतलब क्या कहते हैं, दिस सिंबल मतलब कंफर्म लेस, तो ए क्या लेस है क्या क्यू के, बिल्कुल सही, क्यू बड़ा होगा, क्यू क्या बड़ा है क्या क्या पी के, बिल्कुल सही, डब्ल्यू क्या बड़ा है क्या ए के, बिल्कुल सही, ऑल फॉलो इज द राइट ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये इसको आप मशीन इनपुट भी कह सकते हैं, कोडिंग भी कह सकते हैं, कुछ भी नाम दीजिए, सब सही है, जो नाम देंगे सब सही है। आपको एक फ्रेज दिख रहा है, इसके बिहाफ में स्टेप वन है, स्टेप टू है, स्टेप थ्री है, स्टेप फोर है, इन चारों की आप लॉजिक बता दीजिए। सेम अनिरुद्ध सेम टाइम है, सुबह 9 AM एकदम सेम टाइम है, कहीं कोई झोल नहीं है। जल्दी से पहला स्टेप एकदम ठीक है, सब लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगर यहां पे मैं डांस वर्ड देखूं तो बिल्कुल ठीक है कि आपका डी और ई आपस में इंटरचेंज हो गया, डी और ई, यानी ई आपका पहले है, डी आपका लास्ट में है। सेम अगर मैं यहां पे सबको देखूंगा तो ये बाय डिफॉल्ट आपके सभी में हो जाएंगे, इसमें शायद मिसप्रिंट है क्योंकि ये बिल्कुल सेम दिख रहा है क्योंकि बाकी सब चेंज है।
तो डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, ये आपका मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट हो जाता है, आपको पता है ना, बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो यहां भी आपका ये फर्स्ट और लास्ट आपका इंटरचेंज हो गया, कोई डाउट नहीं, राइट ओके ठीक है। चलिए अगले स्टेप को बताइए, स्टेप नंबर टू बताइए क्या है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, स्टेप नंबर टू बताइए क्या है। लास्ट टू लेटर प्लेस वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। अगर आप यहां पे जाएंगे इस वर्ड को, तो यहां के लास्ट के दो लेटर आपके सी और डी हैं, लास्ट के दो लेटर यहां पे सी और डी है, और ये आपका तीन बनेगा, ये आपका यहां पे चार। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सही लिखा है, ओ सॉरी सही लिखा है, सही लिखा है, मिसप्रिंट नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट आपका एस और एस ही दिया हुआ है, सही लिखा है, इंटर मतलब मिसप्रिंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं सोच रहा हूं शोज का शोज ही दिया है। हाँ सही लिखा है, गलत नहीं है, राइट। तो फर्स्ट और लास्ट आपका चार और तीन, तो चार और तीन यहां मैं जाऊंगा तो ये आपका सात के बराबर हो जाएगा, एकदम ठीक है, एकदम ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो यहां पे शोज दिया है, तो लास्ट के दो लेटर अगेन आपका डब्ल्यू और एस है, डब्ल्यू और एस है, मतलब ये आपका 23 और ये आपका 19, तो 9 3 12 दो तीन, यहां ठीक है, सही लिखा है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि पहले में फर्स्ट और लास्ट को हमने इंटरचेंज किया, अगले में लास्ट के दो लेटर का एडिशन, लास्ट के दो लेटर का एडिशन, बाकी सब सेम है, बाकी सब सेम है, राइट ठीक है ओके। अगले पे आइए, अगला बिल्कुल ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल ठीक है, कि अगर आपको वॉवल यहां दिख रहे हैं तो आप केवल प्लस वन करिए, वॉवल प्लस वन कर दीजिए, हाँ मतलब अगर आपको वॉवल दिख रहे हैं तो आप कर दीजिए प्लस वन, और अगर आपको कॉन्सोनेंट दिख रहे हैं तो आप कर दीजिए माइनस वन, तो ये आपका इस टाइप से प्रॉपर बन जाएगा, प्रॉपर आपका यहां पे ये भी डन हो गया, राइट ओके। चलिए और देखते हैं, अगले पे देखते हैं, अगला क्या बोल रहा है, अगला यहां पे सात तो बिल्कुल ठीक है, सात एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं, छह भी ठीक है, यानी वॉबल को आप प्लस वन करेंगे, कॉन्सोनेंट को माइनस वन करेंगे। लास्ट में अगर मैं जाऊंगा तो आपको ये दिख रहा है, सात के साथ तीन लेटर है, सात के साथ तीन लेटर है, एड कर दो 10 हो जाएगा, छह के साथ तीन लेटर है, दोनों को एड कर दो 9 हो जाएगा। अब यहां पे ये क्या है, फ्लॉक्सी हेलिफिलिफिकेशन, सो ये 2 है, 2 4 है, 2 6 है, 2 8 है, 2 9 है, यानी 1 9 है, यानी 10 और 9 अगर मैं ऐड करूंगा तो 19 के बराबर हो जाएगा। सेम यहां देखिए, जैसे 8 यहां दिया है, 8 के साथ 3 लेटर है, सबको ऐड कर दो 11 के बराबर हो जाएगा, राइट ओके। सो ये टोटल आपका इस टाइप से बन जाएगा, राइट ओके, समझ आया, समझ आया, समझ आया चारों स्टेप। तो ये ऐसे भी घुमा के सवाल पूछ सकता है, क्या बोलते यार, मैंने जो बोला वो मुझे भी अब याद नहीं, इतना ही मैंने मतलब इतना ही मुझे याद था, कुछ मतलब बेइज्जती ना हो तो दो चार वर्ड याद किए रहता हूं। एक्चुअली क्या है कि मैं शशि थरूर जी को फॉलो करता हूं, मैं ट्विटर पे उनको जानबूझ के मैं फॉलो करता हूं, क्योंकि वो जब कुछ लिखते हैं ना तो आप समझिए कि उसके लिए इंग्लैंड के जो निवासी हैं उनको भी एक, उनने अलग से डिक्शनरी खरीदी है, जो इंग्लैंड के निवासी उनने एक अलग से डिक्शनरी खरीदी है, कि अगर शशि थरूर कुछ ट्वीट करेंगे तो उसके लिए हमें इस डिक्शनरी से पढ़ के करना होगा। हाँ फ्लॉक्सी ग्लिफिलिफिकेशन एक एक्चुअली वो है, वो कैब है, इसको आप गूगल में सर्च करिएगा, ये आपको पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। बयालीस का छह कैसे, कहां पे भाई बयालीस का छह है, भाई कहां पे बयालीस का छह है, बयालीस का छह ऐसे कि ये चार और दो को हम ऐड करेंगे तो ये छह हो जाएगा, राइट ओके ठीक है, करिए। ओके हाँ हाँ एकदम एकदम एकदम, हाँ यही वर्ड है, हाँ वैसे मैं इसको बोल तो नहीं पाऊंगा, नहीं नहीं ये वर्ड नहीं भाई, ये वर्ड नहीं है, मुझे लगा फ्लॉक्सी हेलिफिलिफिकेशन लिख रहा है, ये बड़ा वायरल हुआ था, आपको शायद याद, तभी से मैंने शशि थरूर के ट्वीट्स को देखे, उनके मैंने ब्लॉग्स पढ़े, तो बड़ी खतरनाक इंग्लिश लिखते हैं, मतलब मजा आता है पढ़ के, तो उससे क्या होता है कि आप दो तीन डिक्शनरी लेके बैठ जाओ फिर सीखो तो थोड़ा सा सही रहता है। हाँ हाँ आरती याद है वो जो काफी
हाँ, बहुत वायरल हुआ था। क्या आया? डन हो गया। चलिए, आई थिंक कोई भी यहां पे वर्ड लेके मुझे समझा दीजिए क्या बनेगा। कोई भी वर्ड मैं ले लूं, मुझे आप समझाइएगा। लेट सपोज कौन सा लू मैं, पहले ही वर्ड लेटेस्ट को ही ले लेते हैं। लेटेस्ट आजकल ट्रेंडिंग में भी है, लेटेस्ट आजकल ज्यादा ट्रेंडिंग में है। सो लेटेस्ट को ही हम लोग ले लेते हैं। बताओ पहला क्या है इसमें, बताओ पहला यहां पे क्या है। यस, बिल्कुल ठीक है। सेकेंड लेटर को अगर मैं ऑपोजिट कर दूं, सेकेंड लेटर को अगर मैं ऑपोजिट कर दूं तो ये दिस हो गए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जेड के साथ आपको 12 दिख रहा है, तो 12 मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि एल की वैल्यू 12 है। 12 मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि एल की वैल्यू 12 है। और चूंकि केवल आपको दो ही सिंबल दिख रहे हैं, जब केवल दो सिंबल दिखे तो मैक्सिमम प्रायिकता पॉसिबिलिटी ये होती है कि इवन ऑड का खेला खेला हो जाए। मतलब यहां पे 3 3 6, और यहां पे दिया है एट द रेट, यानी इवन होगा एट द रेट, इवन होगा एट द रेट, और ऑड होगा आपका यहां पे हैश। सिंपल सी बात है। सेम और कोई वर्ड ले लो, जैसे मैंने यहां पे केशियो लिया। केशियो चूंकि सेकंड आपका अगेन ए ही आ रहा है, शेयर ले लेते हैं। एच का यहां पे एस होगा, एस होगा, एस की वैल्यू यहां पे 19, तो एस 19 कहां है भाई, एस 19 ये रहा। और चूंकि 5 है तो यहां पे आ गया हैश, यहां पे आ गया हैश, कोई दिक्कत नहीं। सेम अगर आप यहां देखिए तो आपका एच यहां पे है, एच का ऑपोजिट यहां पे एस होगा, और एस की वैल्यू यहां पे 19 होगी। 2 2 4 2 6 2 8, 8 मतलब यहां पे एट द रेट, तो एट द रेट एस 19, एट द रेट एस 19 मतलब डी ऑप्शन, एट द रेट एस 19 मतलब क्लियरली आपका डी ऑप्शन यहां पे सही जवाब बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके क्लियर, ठीक है। चलिए अगले पे आइए। अगला क्या कह रहे हैं? एक और पजल आपके सामने, देख लेते हैं सवाल क्या है। देखो मैं, जगह है क्या मेरे पास? हाँ, थोड़ा सा मैं छोटा हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। हाँ, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि 3 अलग अलग यहां पे रो हैं, 3 अलग अलग रो है, रो 1 रो 2 और रो 3। इसमें अलग अलग जो भाषा है उसके लोग यहां पे बैठे हुए हैं। सो आपको बताना है कि कौन कहां पे किस टाइप से आएगा। राइट, ओके, ठीक है। लाइक हिंदी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, तमिल एंड तेलुगु, तो आपको बताना है किस टाइप से कौन कहां पे आएगा। हाँ, बिल्कुल, इंग्लिश तो हम लाएंगे ही, वो तो हिंदी दिखाना जरूरी है क्योंकि मेरा भारत महान है ना, हर एक लैंग्वेज को यहाँ पे देना जरूरी होता है। पॉसिबल होता है तो मैं इंग्लिश हिंदी जरूर करता हूँ, समय नहीं होता तो फिर केवल इंग्लिश से ही काम चलाना पड़ता है। सवाल एक बार देखिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैं सिंपल पॉसिबिलिटी ही बना लेता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे रो 1 ले लिया, ये रो 1 ले लिया, रो 1 में 1 2 3, ठीक है। ये रो 2, 1 2 3, रो 3, तो ये भी आपका 1 2 3। एक और ऐसे बनाइए, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3, क्या मतलब? इसलिए क्योंकि क्या पता आवश्यकता पड़ जाए, है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी। कह रहे हैं कि IDG जो है वो 3 अलग अलग रो पे होंगे और इनकी अलग अलग लैंग्वेज होगी, तो ये आपका कहां पे, वो आपको नहीं पता है भाई। मेरे पास केवल, मैं ऐसे बना लेता हूं कि मान लो भाई IDG या तो यहां पे, या तो IDG यहां पे, या तो IDG यहां पे। हालांकि इनकी प्लेस उल्टा भी, इंटरचेंज भी हो सकती है। और देखिए, कह रहे हैं कि गुजराती जो है वो मराठी के इमीडिएट लेफ्ट में रो 1 में, यानी मराठी के इमीडिएट लेफ्ट में गुजराती रो 1 में कहां रखूंगा अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। राइट, ठीक है। और देखिए, 3 स्टूडेंट इंग्लिश बोलेंगे और ये तीनों अलग अलग रो में होंगे, तो ये तीनों अलग अलग रो में है, ठीक है। एच जो है वो रो 1 में आएगा, इंग्लिश बोलेगा और ये राइट एंड पे बैठेगा। चलो, इसकी पोजीशन फिक्स हो गई, इसकी पोजीशन फिक्स हो गई कि एच यहां पे इंग्लिश और ये राइट एंड पे आ गया। जी कभी भी हिंदी इंग्लिश नहीं बोलेगा, लेकिन वो ऐसी एक लैंग्वेज बोलेगा विच इज नॉट स्पोकन बाय एनी पर्सन। मतलब जी इकलौती एक ऐसी लैंग्वेज बोलेगा जो और कोई बोल ही नहीं सकता। अब वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता मराठी हो, है ना, तेलुगु हो, तमिल हो, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन। राइट, और देखें और क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि जो तमिल है वो रो 2 में आएगा और ये ऑपोजिट होगा हिंदी और तेलुगु के रो 3 में। मतलब तमिल आएगा रो 2 में, समझिए, दिमाग लगाइए, तमिल आएगा रो 2 में और ये हिंदी और तेलुगु
दोनों के डायगनल ऑपोजिट होंगे रो थ्री के रिगार्डिंग, तो आप इसको क्या करेंगे, आपको ये बात क्लियर हो गई कि तमिल आपका आएगा यहां पे, तमिल आपका पक्का यहां पे आ गया, तमिल अगर यहां पे तो हिंदी और क्या था तेलुगु, हिंदी और तेलुगु या तो यहां पे, हिंदी और तेलुगु या तो यहां पे, हिंदी और तेलुगु या तो क्लियर यहां पे, अब अभी एग्जैक्ट तो नहीं पता कि हम कहां रखेंगे, ठीक है। और देखिए तेलुगु जो है वो रो टू में पैरेलल आएगा गुजराती के रो वन के, मतलब ये तेलुगु और गुजराती पैरेलल आएंगे, और ये हिंदी जो है वो रो थ्री में आएंगे, यानी तमिल तेलुगु जो रो टू में है वो गुजराती और हिंदी, यानी गुजराती गुजराती हाँ सही हाँ गुजराती फिर तेलुगु और फिर हिंदी, यानी गुजराती तेलुगु हिंदी, समझिए यहां पे गुजराती हो नहीं सकता, इंग्लिश हो गया है, यहां गुजराती रखोगे यहां पे आपका तेलुगु नहीं होगा, मतलब आप श्योर हैं, आप श्योर हैं कि गुजराती यहां पे, गुजराती अगर यहां पे तो यहां पे मराठी, क्योंकि आपको पता है मराठी के इमीडिएट लेफ्ट में गुजराती, अच्छा गुजराती यहां पे तो यहां पे तेलुगु, यहां पे तेलुगु, और तेलुगु अगर यहां पे तो अब इनको आप डन कर लीजिए, नीचे नीचे आप डन कर लीजिए कि यहां पे आएगा हिंदी, यहां पे आएगा हिंदी, यहां पे आ गया हिंदी, हिंदी अगर यहां पे तो यहां पे तेलुगु, यहां पे तेलुगु, ओके तो ये इस टाइप से बन गया, ये ऐसे बन गया, ठीक है। और देखें बी इज द ओनली हु स्पीक गुजराती एंड इज डायगनली ऑपोजिट टू ए, तो बी जो है बी इज द ओनली हु स्पीक गुजराती और ये डायगनली ऑपोजिट होगा किसके, ए के, तो ए के डायगनली ऑपोजिट, डायगनली मतलब कुछ भी ऐसे कर लीजिए, बी यहां पे और बी गुजराती, मतलब गुजराती भाई साहब कोई दूसरे नहीं होंगे, तो गुजराती अगर कोई दूसरे नहीं होंगे तो आप ये श्योर हो गए ना कि आई डी जी को आप यहां से हटाएंगे, आई डी जी को आपने यहां से हटाया तो यहां पे आ जाएंगे बी, और बी अगर यहां पे तो आई डी जी अब यहां पे आ जाएंगे, आई डी जी अब यहां पे आ जाएंगे, अच्छा बी के डायगनली कौन है, बी के डायगनली ए है, तो ए भाई साहब चाहे यहां कर दो, चाहे यहां कर दो, चाहे यहां कर दो, चाहे यहां कर दो, बात तो सब बराबर है, लेकिन मैं नहीं कह सकता ना भाई, नहीं कह सकता मैं। और देखिए और क्या कह रहे हैं, आई जो है वो सेकेंड रो, तो आई यहां पे सेकेंड रो एंड डी कैन नॉट इंग्लिश, तो डी के सामने यहां पे इंग्लिश नहीं, आई जो है वो सेकेंड रो, तो आई अगर सेकेंड रो पे आएंगे मतलब एक चीज श्योर है, एक चीज श्योर आपकी ये हो गई कि अगर मैं आई को यहां करूंगा, अगर मैंने आई को सेकेंड रो पे कर दिया तो आई या तो यहां पे या तो यहां पे या तो यहां पे, स्टिल डी और जी या तो यहां पे या तो यहां पे, हालांकि डी और जी अभी पॉसिबिलिटी भी है, हम श्योर नहीं कह सकते। और देखें कह रहे हैं कि रो थ्री में एफ राइट एंड पे आएगा, तो एफ राइट एंड पे रो थ्री में हो गया, एंड फाइंड नो डिफिकल्टी टू टॉक ई, यानी एफ जो है वो रो थ्री में आएगा और ई से बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ई से बात करने में कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब क्या है, मैं ठेठ गांव से हूं, मुझे केवल हिंदी आ रही है, तो मुझे किससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जिसको 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 हिंदी आएगी, यानी एफ अगर तेलुगु है तो ई भी जहां भी होंगे वो कंफर्म तेलुगु होंगे, यानी ई को हमने यहां रख लिया, ई को हमने यहां रख लिया। अब आपको यह याद है ना कि क्या था, इंग्लिश तीन जगह अलग अलग लोग, तो तीन यहां पे मतलब ये इंग्लिश यहां पे आ गए, इंग्लिश यहां पे आ गए, इंग्लिश यहां पे आ गए, अब पर्सन को बिठा लीजिए, पर्सन कैसे आप बिठाएंगे, आपको पता है डी को इंग्लिश में डी को इंग्लिश नहीं आती, तो डी को अगर इंग्लिश नहीं आती तो आप यहां पे क्या करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेट सपोज मान लो मैंने डी को यहां कर दिया, डी को यहां पे तो के फिर आपका क्लियर या तो यहां बनेगा, लेकिन ए के इधर बी बी गुजराती और कौन सी लाइन मिस की भाई, जो जो लाइन मिस की उसको देख लीजिए, एच जो है वो जी कभी भी हिंदी और इंग्लिश स्पीक नहीं करेगा, केवल एक लैंग्वेज, तो एक लैंग्वेज मतलब जी का पोजीशन फिक्स हो गया, जी का पोजीशन फिक्स हो गया, जी की केवल एक लैंग्वेज, जी तो आएगा मराठी में, जी आएगा मराठी में। अब यहां पे बी के डायगनली ए है भाई, तो बी के डायगनली ए है, तो अगर मैं क्योंकि यहां पे एफ हो गया, तो अगर मैं ए यहां कर दूं, ए मैं यहां कर दूं, तो स्टिल मुझे डी डी चूंकि इंग्लिश में नहीं आएगा, तो यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि डी और के की यहां पे पॉसिबिलिटी है, क्या कोई इंफॉर्मेशन है, क्या क्या कोई इंफॉर्मेशन है, क्या
क्या कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? अच्छा एक भाई साहब कौन है, एक 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 भाई साहब कौन बचा है? ए से आई कौन हो गया? ए हो गया, बी हो गया, सी, सी आएगा यहां पे, सी आएगा यहां पे। हाँ मुझे बता दो क्या क्या डेफिनेट है? जी नाइदर स्पीक हिंदी, तो जी नाइदर स्पीक हिंदी, तो जी तो हमने पुट कर लिया। डी और के बताओ भाई। सर थर्ड रो, थर्ड रो क्या गुजराती एंड हिंदी इन थर्ड रो, तो वन स्पीक तेलुगु, ठीक है। सर आई तमिल, आई तमिल कैसे, मतलब क्या है, क्या है मतलब, कुछ 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 फिक्स लाइन है यहां पे, कुछ फिक्स लाइन है यहां पे, क्योंकि मुझे स्टिल पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है। अच्छा एक तो ये है कि आई डी जी तीन प्लेस पे, हाँ तीन अलग अलग प्लेस पे होंगे, तो आई जी अगर यहां पे, तो मैं आई और डी को यहां कर सकता हूं ना भाई, अभी अभी आई और डी मेरा यहां पे हो सकता है ना, सॉरी के मैंने है ना, आई डी जी यहां पे हो सकता, आई इज इन सेकंड रो ऐसा कहीं लिखा है या आप किस सेंस में बोल रहे हैं? हाँ ओके 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 यस, ये लाइन हमने मिस कर दी थी, यस ये लाइन हमने मिस कर दी थी भाई, ये लाइन जब हमने मिस कर दी थी तो पूरी बात ही खत्म हो गई, फिर तो चाचा पूरी बात ही खत्म हो गई, और जब पूरी बात खत्म हो गई तो यहां पे आ गए आई, आई अगर यहां पे, तो यहां पे आ जाएंगे डी और ए इसका आंसर। यस 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 यस, मजा आया कि नहीं, शानदार सवाल था कि नहीं, राइट right? तो ये इस टाइप का, और इस टाइप का पैटर्न ना एग्जाम ने पूछा है, इस टाइप का पैटर्न पहले एग्जाम ने पूछा है, राइट right? ओके okay? हाँ हाँ वो लाइन वही मैं सोच रहा हूं कि डी और के डन क्यों नहीं हो रहे हैं, वो लाइन हमने मिस कर दी थी, हमने सीधे डी कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वाले पे हम लोग आ गए थे। चलिए बहुत बढ़िया, ओके ओके चलिए इस पे आइए और उसको बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। यह है आपका डेटा सफिशिएंसी जो कि 100 गुना, 100 नहीं 1001 गुना, ये तो एग्जाम का ही सवाल है भाई, ये तो एग्जाम का ही सवाल है। हाँ हाँ बिल्कुल आई सेकंड रो पे है, एकदम सही है। मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे संडे, ओके ओके आंसर नहीं निकल पाया भाई, डेटा सफिशिएंसी नहीं आ रहा है, डेटा सफिशिएंसी नहीं बन पा रहा है। अब आरसी जैसे तो होंगे ना फ्लेम स्टिकर, ये तो मतलब इसमें तो कोई दोरा ही नहीं है, इसमें तो मैं क्या ही बोलूं। देखिए क्या है, लेट सपोज मान लीजिए ये मंडे, फिर आपका ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे, इसमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सी और बी के बीच में आप बता दीजिए पर्सन कितने, ठीक है एक बार चेक कर लेंगे, चेक कर लेते हैं। सी जो है वो वेंसडे के पहले, तो वेंसडे के पहले मतलब सी तो भाई या तो ट्यूसडे में आ जाएगा या तो मंडे में आ जाएगा, जाहिर सी बात है दो ही पॉसिबिलिटी बनेंगे। और देखिए कह रहे हैं कि ए कभी डी के पहले नहीं, मतलब कंफर्म डी के बाद ए आएंगे, तो डी के बाद यहां पे ए होंगे। दो का गैप सी और डी में, तो दो छोड़ के यहां पे आपका डी आएगा, दो छोड़ के यहां पे आपका डी आ जाएगा। बी कभी भी सी के जस्ट बाद नहीं होगा, तो सी के जस्ट बाद आपका यहां पे बी नहीं होगा, तो सी के जस्ट बाद अगर आपका बी नहीं होगा और डी के बाद ही आपका ए होगा, तो यहां पे डी के बाद ए आपका ऐसे नहीं बनेगा, तो ए आपका यहां पे आ जाएगा, सी के जस्ट बाद बी नहीं, बी क्लियर यहां पे, तो हमें ये श्योर हो गया कि सी और बी में भाई एक का गैप है, इतना श्योर हो गया कि सी और बी में एक का गैप है, तो ओनली वन से तो मेरा आ रहा है, ओनली वन से तो मेरा क्लियर हो रहा है। इसको जरा देखें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि तीन का गैप ए और सी के बीच में, सो ए और सी के बीच में तीन का गैप, वैसे ए और सी यही गैप बनेंगे, एक दो तीन, हाँ यही बनेंगे और कुछ नहीं हो सकता। बी कभी ई के बाद नहीं, यानी बी जब भी आएंगे ई के पहले आएंगे, ओके ठीक है। डी कभी थर्सडे को नहीं जाएंगे, तो डी अगर थर्सडे को नहीं जाएंगे तो भाई अब आपको पता है डी यहां भी आ सकता है, डी अगर यहां पे तो ई और बी यहां पे आ जाएगा, और डी अगर यहां पे तो ई और बी यहां पे आ जाएगा, मतलब ओनली टू आपकी पॉसिबिलिटी है, ओनली वन क्लियर आपका सही जवाब, एकदम सही बिल्कुल ठीक है। अगले पे आइए जॉय, इसको तो यार निकाल दो, इसको तो ये तो मतलब देखने वाला क्वेश्चन है, ये तो देख के खेलने वाला क्वेश्चन है ना,
इसमें तो आई थिंक बहुत आपको समय और टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो बिल्ली भी भटक रही है, च्याओ च्याओ चिल्लाना नहीं अभी है। चलिए बताइए, क्या बोथ? बोथ, ओके बोथ, ठीक है एक बार देख लेते हैं। देखो भाई, अगर मैं जॉय का यहां पे मतलब निकालू, जॉय कैसे आएगा? यहां पे जॉय ये मिल गया और जॉय ये मिल गया, लेकिन यहां पे सक्सेस भी कॉमन है, सक्सेस भी कॉमन है। तो सक्सेस जॉय जब कॉमन है तो हम एग्जैक्ट मतलब तो भाई नहीं बता सकते, ओनली वन से तो नहीं आएगा इतना श्योर है। एक बार ओनली टू चेक करिए। सो यहां अगर मैं देखूं, देखो केवल जॉय आपका यहां कॉमन है, क्या आप बाकी सारे वर्ड कट सकते हैं? सो यस, आपका हैप्पी कट जाएगा, पीपल भी यहां पे कट जाएगा और ड्रीम भी यहां कट जाएगा। यस, ओनली टू, ओनली टू से आपका मतलब क्लियरली बन जाएगा। इज इट डन बोथ वालों? बोथ वालों, बोथ वालों, जल्दी देखो, जल्दी देखो, जल्दी देखो भाई। हैप्पी कट गया, पीपल कट गया, ड्रीम कट गया, तो जॉय तो अपने आप बन जाएगा। जॉय तो, अब इसको तो भाई डेटा सफिशिएंसी, आपको एग्जैक्ट मतलब नहीं बताना है, आपको ऊपर ऊपर देखे कि हाँ ठीक है, ओके ऐसे करना है आपको, तो वो लॉजिक यहां पे फिट हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको बताइए। सात लोग हैं और स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे कौन है? नहीं, हर क्वेश्चन मैं बताऊं इस पे बिल्कुल डिपेंडेंट मत रहना। जब हम समझ जाएंगे कि मुझ पे डिपेंडेंट हो रहे, तो मैं जानबूझ के फिर गलत करूंगा और फिर मैं आपसे बताऊं, पूछूंगा बताओ सही क्या है। तो डिपेंडेंसी तो पहले, सबसे पहली चीज आप डिपेंडेंसी हटाइए, है ना? अर्पित सर एग्जाम में जाके नहीं बैठेंगे, मतलब फैक्चुअल चीजों पे काम करो। ठीक है, मदद के लिए मैं यहां तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूं, मतलब एक मैंने ऐसा कंटेंट दिया जो आपके एग्जाम के लिए मस्ट रेलेवेंट है, तो उसका आपको बेनिफिट ये उठाना चाहिए कि आप अपना संघर्ष 100% करिए, 1% डिपेंडेंट आप मुझ पर रहिए कि हाँ सर कुछ दिक्कत हो रही है, एक बार देख तो लीजिए क्या है। चलिए, आई थिंक 1 मिनट सफिशियंट है। सवाल एक बार देखो, सात लोग हैं यहाँ पे। सो 1 2 3 4 5 6 7, पहला देख लीजिए, जी जो है वो सेकंड पोजीशन ऑफ वन ऑफ द एंड होगा, तो जी या तो यहाँ पे, जी या तो यहाँ पे, ए जो कि मिडिल पे है, तो ए जो कि मिडिल पे है, सेकंड टू द राइट है एफ के, तो ये तो नहीं बनेगा, एफ यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड राइट यहाँ पे ए आ गया। तो क्या पूछा गया है? एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे कौन है? नो नो आइडिया, पहला गलत हो गया, पहला गलत हो गया। सेकंड देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, देख लेते हैं, क्या पता ओनली टू से बन जाए। सी जो है वो एफ के थर्ड राइट में, तो एफ के थर्ड राइट में यहां पे सी आएगा, और एफ कभी मिडिल पोजीशन पर नहीं आएगा, और देखें ए कभी एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं आएंगे, तो ए कभी एक्सट्रीम एंड्स पर नहीं आएंगे। सी और एफ कभी भी ए का नेबर नहीं होगा, तो सी और एफ कभी भी ए का नेबर नहीं होगा। दोनों को एक बार जोड़ लीजिए, जोड़ने पे क्या बनेगा? जोड़ने पे आपको पता है कि ए तो मिडिल पे है, ए अगर मिडिल पे है तो आप एफ और सी को ऐसे रख ही नहीं सकते कि वो ए के बगल में नहीं आए, आप एफ और सी को ऐसे पुट कर ही नहीं सकते कि वो भाई एक कोई ना कोई, तो भाई फोर्थ राइट तो है नहीं, फोर्थ राइट तो नहीं है ना, थर्ड राइट है, तो एक कोई ना कोई उसके बगल में आएगा ही आएगा, बगल में आएगा ही आएगा, तो वो कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी। तो आपका आंसर यहां पे नन फॉलो, दोनों से ही आंसर नहीं आएगा, नन फॉलो। इसको बताइए, बताइए किसके कितनी तनख्वाह है? ध्यान से इन पे भाई गलती मत करना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। ये वो है जो आपको नंबर चुरा के देंगे, ये आपकी सहायता करेंगे आपके मेंस क्रैक करवाने में, बहुत सहायता करने वाले हैं आपकी मेंस क्रैक करवाने में, मतलब
सुबह जब आरती उतारना भगवान की, तो एक साइड कहीं इनको भी डेटा सफिशिएंसी आए नमा, मशीन इनपुट आए नमा, है ना, न्यू पैटर्न कोडिंग आए नमा, है ना, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड पजल पजल आए नमा, जो भी है वो, तो इनको जरूर कर लीजिएगा। क्या वन ओनली बोथ आइदर, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, आइदर, ओके, बोथ होगा। सोनाली अग्रवाल कह रही बोथ सर, बोथ पे ताला मार दी जाए, कुछ हो जाए। चलिए बोथ एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो ये आपका पहला, दूसरा, यही मैं कह रहा हूं कि आप डेटा सफिशिएंट, ये ऐसे टॉपिक जो आपको मार्क्स देंगे भाई, ये मार्क्स देने के लिए आते हैं कि भाई ले लो 30 का टारगेट बना के आए हो, ले लो भाई, 30 तो बहुत है, समझिए कैसे करेंगे। आप कह रहे हैं कि देख लेते हैं बोथ होगा कि नहीं। ओ केवल दो लोगों से ज्यादा, तो ओ को हमने नंबर टू नंबर फाइव कर दिया। एन की सैलरी एम से ज्यादा लेकिन हाईएस्ट नहीं होगी, तो एम से ज्यादा सैलरी एन की होगी, लेकिन एन को आप टॉप पे मत करना। क्यू केवल आर से ज्यादा है, तो क्यू केवल आर से ज्यादा होगा, यानी अगर केवल आर से यहां पे ज्यादा होगा तो बाकी सब छोटा होगा, यानी आर यहां पे आ जाएगा, आर अगर यहां पे, तो क्यू यहां पे आ जाएगा। अब मुझे क्या पता है कि हाईएस्ट सैलरी किसकी है, एम से ऊपर मुझे एन को निकालना है, तो एम से ऊपर, ओ सॉरी, छ, हाँ हाँ यस यस, गड़बड़ कर दिया हमने, गड़बड़ कर दिया, कोई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं चाचा, हाँ, हमको हमको समझ में आ गया हमने क्या गड़बड़ की, ठीक है ठीक है ठीक है, छह ही लोग हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और 6, तो आपको पता है एम के ऊपर एन, तो एम के ऊपर एन यहां तो आ गया, यानी टॉप की पोजीशन फिक्स हो गई। तो आपका ओनली वन तो भाई श्योर है, बोथ वाले ओनली टू लिख रहा हूं मैं, ओनली वन तो श्योर है, तो बोथ वालों नहीं, अच्छा लगा आप आए, अच्छा लगा आपने मेहनत की, है ना, उसके लिए बधाइयां, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ओनली टू पे आते हैं, कह रहे हैं कि एम जो है वो केवल दो लोगों से कम है, तो एम आएंगे नंबर तीन पे। क्यू की आर से ज्यादा लेकिन ओ से कम, तो क्यू जहां भी आएंगे वो आर से ज्यादा ओ से कम। ओ कभी एम से कम सैलरी नहीं पाएंगे, तो एम से ज्यादा सैलरी ओ की होगी, तो एम से ज्यादा सैलरी यहां पे किसकी, ओ की हो जाएगी, नहीं, सॉरी, कम होगी, माई मिस्टेक, कम होगी, ज्यादा कर दिया हमने, कम होगी। तो एम से कम अगर ओ होगी, तो ओ आपके यहां पे, क्यू आपके यहां पे, आर यहां पे, और एन की सैलरी पी से कम, तो पी से कम एन की सैलरी, यानी पी भी आपका बन गया। इसका मतलब यह है कि आपका आंसर यहां पे आइदर, आइदर और इज द राइट ऑप्शन, आइदर और क्लियरली आपका सही जवाब। इज इट डन, ओके डन, सो यस, आइदर और यहां पे सही हो जाएगा, दोनों से आंसर हमें क्लियर मिल रहा है, दोनों से, हाँ नहीं मतलब ठीक है, क्या ही बोले, समझिए ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है भाई, इसको बहुत छोटे पैकेट समझ के इसको मत उड़ाना, छोटा पैकेट समझ के इसको बिल्कुल मत उड़ाना। सवाल एक बार देख लीजिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 लोग हैं, 2 से 8 तक की डेट है, संडे बींग एन ऑफ डे, यानी एक कोई दिन ऑफ होगा, यानी आपका डे सीक्वेंस नहीं है, डे सीक्वेंस नहीं, केवल आपका डेट सीक्वेंस है, समझिए मेरी बात को, डे यहां पे सीक्वेंस नहीं, केवल आपका डेट सीक्वेंस है। हिंदी यार इसका हम नहीं कर पाए रोहन, मतलब क्षमा करना यार मुझे, वही है जिसका बन जाता है वो मैं कर पाता हूं, जो नहीं बन पाता मैं फिर क्या बताऊं, आई एम सो सॉरी मेरे भाई। सो और इसके अलग अलग मिनट्स हैं, 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट, 90 और 100 मिनट मिलकर करें। पढ़ लिया आपने सवाल को, पढ़ लिया आपने प्रॉपर, पढ़ लिया, ओके चलिए। सो 2 से 8 तक की डेट है, हमें पता है केवल हमारे पास डे है भाई, केवल केवल डे है, दिन नहीं है, है ना, केवल डे है। तो आप इसको ऐसे बना लीजिए कि ये आपका लाइक ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, है ना, हल्के मत लेना, बहुत ध्यान से करना भाई, बहुत ध्यान से करना। अब इस देखो इस पजल में कुछ सवाल मैं आपसे भी करूंगा, तो थोड़ा अवेयरनेस दिखा के इस पजल को करिएगा। 8 मार्च को संडे नहीं होगा, सो 8 मार्च को आइतवार नहीं होगा, आइतवार यानी संडे होता है हमारे यहाँ, इतवार बोलते हैं।
और कह रहे हैं कि इस दिन का जो टाइमिंग होगा वो टोटल 40 मिनट हो जाएगा, तो यहां पे 40 मिनट होगा। मैथ्स जो है वो 60 से कम होगा और इंग्लिश के ठीक पहले आएगा। इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश को जहां रखेंगे, इंग्लिश के ठीक पहले मैथ आएगा, और मैथ अगर 60 से कम है तो कितना होगा भाई, 40 और 50, तो 40 और 50, तो ये मैथ जो है वो 40 और 50 के सीक्वेंस में आ गया। और देखिए कह रहे हैं कि दो का गैप हिंदी जो कि 100 मिनट, हिंदी जो कि 100 मिनट और इतिहास जो कि 60 मिनट, इसमें दो का गैप होगा। इंग्लिश का एग्जाम संडे से पहले होगा और संडे और मैथ में दो का गैप होगा। अब जरा दिमाग लगाइए, इंग्लिश के ठीक पहले मैथ है ठीक, और अच्छा 50 लिखा है, क्या 50 क्या होगा भाई, क्या कुछ गड़बड़ पढ़ लिया क्या हमने, वो ठीक है वो बाद में यार, अभी तो नहीं पता ना कि 60 से पहले, तो मुझे तो यही पता है कि 40 या 50 मिनट होगा। अब हाँ वैसे ये आपकी कंडीशन ठीक है, वो हम बाद में वैसे कर लेते, लेकिन ठीक है कि अगर 40 मिनट यहां पे हो गया है तो 50 यहीं पे बाय डिफॉल्ट बनेगा, वो ठीक है, इसको बाद में तो हम लोग चेक करते ही करते। चलिए अब अगर मैं इसको देखूं तो मुझे पता है कि इंग्लिश संडे से पहले और मैथ्स और संडे में दो का गैप, तो मुझे एक बात बताओ, अगर संडे के पहले इंग्लिश है और संडे और मैथ्स में दो का गैप, तो आप ये श्योर है ना कि संडे पहले एनाने पड़ेगा, सैटरडे को कुछ और पड़ेगा, जुमे के दिन यहां पे आ जाएगा इंग्लिश और थर्सडे में यहां पे आ जाएगा मैथ्स, ऐसे बनेगा। यानी संडे और इंग्लिश में एक का गैप होगा, तब जाके संडे और मैथ्स में दो का गैप होगा, संडे और इंग्लिश में एक का गैप होगा तब जाके संडे और मैथ्स में दो का गैप होगा, क्लियर कॉन्सेप्ट। यानी ये श्योर है कि इंग्लिश जुम्मे में आएगा और क्या कहते हैं मैथ्स आएगा बृहस्पतिवार को, इतना तो ठीक है ना। और देखिए कह रहे कि इकोनॉमिक जो है वो 75 मिनट का 2 तारीख को नहीं होगा, यानी 2 तारीख को कभी इकोनॉमिक नहीं होगा, कभी इकोनॉमिक नहीं, और इकोनॉमिक जब भी आएगा 75 मिनट का हो जाएगा, ठीक है। और सैटरडे वाला 100 मिनट का होगा, तो सैटरडे वाला 100 मिनट का, और 100 हमें पता है हिंदी। अब आप कोई 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 मानुष मुझे ज्ञान दीजिए, कहां से मैं स्टार्ट करूं, कौन मुझे बताएगा मैं इसको कहां से स्टार्ट करूं, मतलब मैं डेज कौन सा मान के चलूं कि मेरी कंडीशन क्लियर। मतलब देखो मैं एक आध एग्जांपल, लेट सपोज मान लीजिए संडे यहां नहीं, तो मैंने मान लिया कि संडे यहां पे है, संडे यहां पे तो सैटरडे यहां पे, तो फ्राइडे यहां पे, सैटरडे का 100 मिनट, 100 होता है हिंदी का, 100 होता है हिंदी का, फ्राइडे आपका इंग्लिश है, इंग्लिश के पहले मैथ्स होगा, मैथ्स आपका हो गया 50 का, इंग्लिश का नहीं पता मुझे, यहां पे हिस्ट्री आएगी, हिस्ट्री हो जाएगी 100 की, तो इकोनॉमिक अगर यहां नहीं आएगा, तो इकोनॉमिक अगर यहां नहीं है तो आपको यह पता है कि इकोनॉमिक या तो यहां पे, लेकिन इकोनॉमिक मैं यहां रखूंगा 75 होगा नहीं, इकोनॉमिक यहां रखूंगा तो ये 75, लेकिन संडे आपका छुट्टी, संडे अरे भैया संडे छुट्टी है, भैया संडे छुट्टी है चाचा, यहां कहीं दिया था कि इधर कहीं दिया था कि भाई संडे छुट्टी है, भाई संडे छुट्टी है राइट, तो ई तुम्हार गड़बड़ सॉरी हिस्ट्री 60 का होगा, हाँ वो हिस्ट्री 60 का हो जाएगा राइट, ठीक है। अब अगर मैं अगली कंडीशन, बड़े बड़े ध्यान से देखो, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपको मार्क्स दिलवाएगा। अगली लाइन देखो, अगली लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, मेरी बात समझिए, मैं मान लो ऐसे कुछ कर दूं कि मान लो मैंने संडे यहां रख लिया, तो सैटरडे आपका यहां पे, तो फ्राइडे यहां पे, तो थर्सडे आपका यहां पे, सैटरडे आपका 100 मिनट, 100 अगर यहां पे तो फिर 60 यहां पे, और 60 वाला कौन है, 60 वाला इतिहास है, और 100 यहां पे हिंदी होगा, हिंदी यहां पे तो ये आ जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश के बाद यहां पे आएगा मैथ्स, और मैथ्स अगर यहां पे तो मैथ्स का 50 हमें पता है, तो इकोनॉमिक और 75 यहां पे आएगा, इकोनॉमिक 75 यहां पे आ जाएगा राइट, सब हो जाएंगे, तो यहां पे 90 मिनट बचेगा, फिर ये आ जाएगा मंडे, ये आ जाएगा ट्यूसडे, और ये यहां पे वेंसडे, कैसा रहा, और यहां पे जो सब्जेक्ट, कौन सब्जेक्ट बचा, एक सब्जेक्ट कौन सा बचा,
साइंस, आई थिंक साइंस, साइंस आपका यहां पे आ गया। क्या ये सही है, 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 प्लीज कमेंट। देखो मुझे तो ठीक लग रहा है, मुझे तो मेरी सारी कंडीशन बनती हुई दिख रही है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हिमानी कह रही गलत है। बताओ हिमानी क्या गलती है इसमें, बताइए हिमानी क्या गलती है। मुझे तो बिल्कुल फिट दिख रहा है, मुझे एकदम फिट दिख रहा है, बताओ इसमें गलती क्या है, बताओ। हां हां बताओ रोहन, गलती बताओ भाई, गलती बताओ, गलती बताओ। अरे भाई मैं गलती को अप्रिशिएट करूंगा, हाँ मुझे गलती बताइए। रोहित मंडे इको, हां भाई ठीक बनाया हमने, जो भी है बताइए। यस एकदम अमोल पाटिल, एकदम सही लाइन, एकदम सही लाइन, एकदम सही लाइन। देखिए जरा फिर से गौर करिए, यही छोटी छोटी मिस्टेक आप मेंस में ना परेशान करती है, एकदम सही है। क्योंकि यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है कि हिंदी और हिस्ट्री में मेरे भाई दो एग्जाम का गैप है, दो दिन का गैप नहीं है, दो दिन का गैप नहीं है, दो एग्जाम का गैप है। मतलब हिंदी और हिस्ट्री के बीच में दो एग्जाम आने चाहिए, दो दिन नहीं आने चाहिए, दो दिन आपके नहीं आने चाहिए, दो एग्जाम आने चाहिए। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका हिस्ट्री, ये आपका सॉरी हिंदी और हिस्ट्री, यहां पे एक दिन छुट्टी है। और जब एक दिन छुट्टी है तो भाई वो कैसे बनेगा, जब एक दिन छुट्टी है तो वहां पे दो एग्जाम कैसे हो गए, जब एक दिन छुट्टी है तो इनके बीच में दो एग्जाम कैसे हो गए, गलत हो जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, एकदम सही, बहुत बढ़िया। तो ये पॉसिबिलिटी उस हिसाब से गलत होगी। अब जब ये पॉसिबिलिटी आपकी गलत होगी तो एकदम सही है कि जो जिनने यहां पे बहुत बढ़िया ही मानी, बहुत बढ़िया ही मानी, बहुत सही लॉजिक और बहुत सही तरीके से लॉजिक पकड़ी हो, अप्रिशिएट मैं करूंगा। बिल्कुल अमोल, अमोल आउटस्टैंडिंग मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो हम स्टार्ट करेंगे बुधवार से, तो ये बुधवार होगा, यहां पे बृहस्पतिवार, ये जुम्मा, यहां पे सैटरडे, यहां पे संडे, ये आपका आएगा मंडे और ये आएगा ट्यूसडे। तो हमें क्या पता है, सैटरडे का यहां पे 100 मिनट, फिर ये आ जाएगा इंग्लिश, इंग्लिश अगर यहां पे तो मैथ से यहां पे आएगा, फिर यहां पे आ जाएगा 60 के साथ यहां पे आ जाएगा हिस्ट्री, हिस्ट्री अगर यहां पे तो यहां पे कंफर्म आ गया हिंदी, और हिंदी जब यहां पे आ गया तो आपको पता है मैथ्स का आपका 50 मिनट, मैथ्स का 50 मिनट, तो आपका मंडे इको 75 सब हो जाएंगे तो यहां पे 90 और ये बनेगा यहां पे साइंस, और यही इसका आंसर। बहुत बढ़िया। हां यार संदीप हम पढ़ा नहीं पा रहे, क्या बताएं यार, कोशिश कर रहे हैं यार सीखने की, है ना, कर नहीं पा रहे। बताओ यार थोड़ा टिप्स दे दो यार संदीप मेरे भाई, थोड़ा एक आध टिप्स दे दो यार, कोशिश हम भी आजकल कर रहे हैं, हमको भी लग रहा है कुछ ना कुछ एक आध पॉइंट में वीक हो रहे हैं हम, है ना संदीप यार थोड़ी मदद करो भाई। अब जब यार समस्या देख ली हो तो उसका सोल्यूशन भी दे दो यार। मतलब देखो अच्छा मित्र कब काम आता है कि उसने अगर समस्या बताई है तो वो सोल्यूशन भी दे, है ना। तो अच्छे मित्र बनो, है ना, अच्छे मित्र बनो। चलिए अच्छा हिंदी में पढ़ा, ओहो ये गलती थी, अरे यार शिट ये गलती, मैं सोचा यार ओ अच्छा हिंदी में नहीं पढ़ा पा रहे इसलिए हम पढ़ा नहीं पा रहे। ओके ओके यस यार मैं इस पे काम करूंगा मेरे भाई, मैं इस पे जरूर काम करूंगा, आपके इस आइडिया को मैं जरूर अपने मतलब जहन पे लेके रखूंगा। देखिए ये आपका पहले भी सवाल पूछा है, अपकमिंग पैटर्न में भी इस टाइप का सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको एक साथ ब्लड और आपका क्या दिया है यहां पे डायरेक्शन, तो एक साथ ब्लड भी है डायरेक्शन भी, आपको बताना है कैसे निकालेंगे। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, करिए। देखो ना ऐसे क्वेश्चन की ना कुछ ट्रिक्स होती हैं, ऐसे क्वेश्चन की कुछ ट्रिक होती हैं, मतलब जब भी, क्योंकि ये मैंने 2-3 सालों के पैटर्न पे गौर किया है कि कुछ क्वेश्चन तो आप केवल एक कुछ बना के निकाल सकते हैं, कुछ क्वेश्चन तो आप एक कुछ बना के निकाल सकते हैं। देखिए अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल देखूं क्या कह रहे हैं सवाल, तो टी यहां पे डॉलर दिया है, इसको पहले ब्लड ब्लड बना लेते हैं। देखो डॉलर का मतलब क्या हो गया, मामा, डॉलर मतलब मामा, मामा मतलब क्या, टी पक्का लड़का, इनकी कोई एक बहन और बहन
चूंकि यहाँ पे एम ही था इसलिए हमने, चूंकि ऐसे हमने कर लिया तो ये यहाँ पे क्या कहते हैं एम यहाँ पे आ जाएगा, एस बाय डिफॉल्ट यही बनेगा एकदम ठीक है, चूंकि एस आपका यही बनेगा तो एस आपका नेक्स्ट यही बनेगा, चूंकि हमने एस को नीचे करने की कोशिश कर रहे थे हम, तो यस ये एस हो जाएगा एस बहन, क्यों, क्योंकि अगली लाइन यहाँ पे एम डॉलर दी हुई है, तो एम डॉलर ये लिखा है डॉलर नहीं नहीं हैश, हैश मतलब एम बेटी होगी एस की, तो एम यहाँ पे बेटी हो जाएगी एस की, और एस जो है वो ग्रेटर मतलब वाइफ होगी पी की, तो ये वाइफ यानी पी यहां पे हस्बैंड, पी के बाद स्टार यानी फादर, तो पी यहां पे फादर एफ के, पी यहां पे फादर एफ के, दिस सिंबल यानी सिस्टर यानी एफ यहां पे सिस्टर बी की, और बी स्टार मतलब बी पापा यहां पे जेड के। अब मुझे एक बात बताइए, कह रहे यदि मैं एक्स का ब्याह करवा दूं, तो यदि मैं एक्स का ब्याह करवा दूं किससे, एम से, तो एक्स यहां पे लड़का हो जाएगा, तो कह रहे बताइए बी का ब्रदर इन लॉ कौन होगा, मुझे बी का ब्रदर इन लॉ क्लियरली एक्स दिख रहा है। अब जब एक्स यहां पे दिख रहा है तो आपको डायरेक्शन करने की शायद आवश्यकता ही नहीं है, ई ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ आई बात, ये ऐसे नहीं, नॉर्मली भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे क्या कहते हैं पैटर्न पे, जहां पे आप केवल एक चीज बना के क्वेश्चन करेंगे आप आराम से कर पाएंगे। समझ आई बात, समझ आई बात, समझ आई बात, तो ये आपको नॉर्मली भी मिलेंगे राइट ओके। इसको बताएं क्या बनेगा, अब देखिए जहां पे नन ऑफ दीज है देखो वहां पे आपको दोनों बनाने पड़ेंगे, जहां पे ऑप्शन में ही नन ऑफ दीज है वहां पे तो आपको दोनों बनाना, उसको उसका तो भाई कोई भी ऐसा तर्क नहीं है, वो आपको दोनों बनाना ही पड़ेगा। हाँ मतलब नन ऑफ दीज अगर नहीं है तब तो फिर ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है वैसे ही, सवाल बढ़िया है, भगवान ने इंसानों जानवरों में एक फर्क बनाया है, क्या है वो फर्क, कि हमें बुद्धि दी है, और बुद्धि काहे के लिए दी है, घास चरने के लिए नहीं उपयोग करने के लिए, है ना, तो उपयोग करना चाहिए बुद्धि का, ठीक है समझो क्या दिया है, कह रहे हैं यहां पे कि सी स्टार, स्टार मतलब होता है क्या, डैडी, यानी सी यहां पे सिंपल डैडी हो गए, तो सी यहां पे डैडी हो गए डी के, डी यहां पे सिस्टर हो जाएंगे जी के, जी अगेन आई थिंक डैडी है, तो जी यहां पे डैडी हो गए एच के, कट तो नहीं रहा है कंटेंट ना, नहीं कट रहा है, एच यहां पे हैश यानी एच बेटी हो जाएंगी एक्स की, तो एच यहां पे बेटी हो गई एक्स की, तो एक्स यहां पे आ गया एक्स की वाइफ, एक्स जो है वो सिस्टर होगी क्या कहते हैं वाई की, और वाई यहां पे फादर हो जाएंगे किसके, डब्लू के, तो ब्लड तो आपका ये बन गया, ब्लड तो आपका ये तैयार हो गया। सवाल ने क्या बोला, वाई की नीज कौन है, वाई की नीज भैया एच है, तो वाई की नीज एच होगी, लेकिन हम केवल एच नहीं बना सकते क्योंकि अब हमको पूरा क्या पता नन ऑफ दीज भी आंसर हो जाए, तो सी से डी ये आपका होता है फर्स्ट लेटर जो है वो साउथ में होगा सेकंड लेटर के, यानी डी के साउथ में आपका सी होगा, लेट सपोज मान लीजिए डी को हमने यहां बनाया, डी के साउथ में यहां पे सी एट अ डिस्टेंस ऑफ 5, डी दिस सिंबल मतलब होता है वेस्ट, यानी डी के डी जो है डी डी जो है वो वेस्ट में होगा जी के, तो डी यहां पे वेस्ट में होगा जी के, तो डी यहां पे वेस्ट में होगा जी के एट अ डिस्टेंस ऑफ 12, जी स्टार मतलब जी अगेन साउथ होगा, तो ये साउथ हो जाएगा किसके एच के, तो जी यहां पे साउथ हो गया एच के एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 राइट ठीक है। आगे देखिए एच के बाद यहां पे एक्स दिया है, एक्स का मतलब क्या, हैश मतलब क्या होता है, ईस्ट, यानी एच जो है वो एक्स के ईस्ट में होगा, तो एक्स के ईस्ट यानी एक्स आपका इधर, और ये डिस्टेंस आपका 8 हो गया, 8 हो गया, एक्स आपका यहां पे दिस सिंबल मतलब ये 12 वेस्ट है, तो 8 इतना है 4 आप और कर दोगे 12 वेस्ट हो जाएगा, और वाई के बाद स्टार मतलब ये अगेन आपका डब्ल्यू बनाएगा, तो ये डब्ल्यू यहां पे और ये 5 हो जाएगा। सवाल ने कहा कि यदि टी आपका सी के 15 ईस्ट में हो, तो सी के 15 ईस्ट मतलब सी यहां पे, तो 15 ईस्ट मतलब इतना 12, इतना 12 इतना आपका 3 मतलब डब्ल्यू से थोड़ा इधर बनेगा, डब्ल्यू से थोड़ा इधर बनेगा, और वो थोड़ा इधर जो है वो साउथ वेस्ट होता है,
जो थोड़ा मैं इधर कह रहा हूं वो साउथ वेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, राइट। बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन एग्जैक्टली यहां पे सही हो जाएगा, राइट। इसको बताइए क्या बनेगा, इसको बताइए प्रॉपर क्या बनेगा, राइट। ध्यान से करें, ओके। है पर्याप्त है, टेंशन ना लो, क्वेश्चन पर्याप्त है। ओके, क्या आया, किसका, क्या क्या क्या, एंड का एंड है ही नहीं। अब आप जानो भाई, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता कि एंड का मतलब क्या होता है। एंड मुझे मुझे तो पता ही नहीं है एंड का मतलब क्या है। हाँ, कमेंट्स हम देख रहे हैं, कमेंट्स हम देख रहे हैं भाई, मुझे नहीं पता ना, मैं क्यों जानूंगा, मुझे नहीं आता भाई। हाँ, एंड हो या ना हो, मैं क्यों करूं, आप करके बताएं मुझे भाई। सिंपल दिमाग लगा लो यार कि ये किन चीजों को सवाल में कह रहा है, एकदम दिमाग लगा लो किन चीजों को सवाल में कह रहा है, तब तो आप निकालोगे किन चीजों को सवाल में कह रहा है। अब आप सिंपल देखिए, जैसे लेट सपोज आर के साथ आपने कहा सर एंड सिंबल। अब एंड सिंबल ठीक है, मैं भी देख लेता हूं, यहां पे हैश है, यहां पे डॉलर है, यहां पे ग्रेटर, यहां पे दिस, यहां पे दिस, तो ये सिंबल दिस हो गया। अब इसके साथ सवाल क्या कहना चाह रहा है वो देखो, कह रहे कि आप मुझे बताइए इस परिवार में जनरेशन कितनी है इस परिवार। अब देखो, या तो ये यहां तक दो होगी, तीन होगी, चार होगी, मुझे नहीं पता। अब आर से टी अगर मैं कनेक्ट करूंगा, सिंपल देखो, आर से टी अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो ये या तो जनरेशन हो सकता है ऊपर हो जाए, हो सकता है नीचे हो जाए, लेकिन नीचे हम श्योर शॉट तो नहीं बनाएंगे क्योंकि ऊपर भी हो सकता है। अगर ये एक और ऊपर गया तो जनरेशन आपका एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मतलब जो आपको बाद में बनाने पे दो तीन चार फिक्स हैं उस पे ये आर और टी कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, आर और टी यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, और जब बातें आपकी यहां पे सिंपल कॉन्ट्राडिक्ट होंगी तो आपका आंसर यहां पे क्या होगा, सिंपल यहां पे ई ऑप्शन, सिंपल यहां पे ई ऑप्शन सही है, सही है, ओके ठीक है, सिंपल यहां पे। मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है भाई, क्वेश्चन तो आपके सामने, मेरे सामने, मिसप्रिंट तो कहीं दिख नहीं रहा है मुझे, सब कुछ सेम है, तो गड़बड़ क्या हो रही है। गड़बड़ ये हो रही है कि जो क्वेश्चन ने बोला है अगर वो तरीका, और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे सिंबल ना दिया हो लेकिन तब भी आंसर आते हैं, तब भी आंसर आते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा, राइट, ओके ठीक है। तो ये आपका आज का टोटल सेशन था, कल हम लोग सुबह वापस से 9 बजे मिलेंगे, कल हम लोग सुबह वापस से 9 बजे मिलेंगे, जहां पे कल मैं फाइनल आपको एक पेपर देने वाला हूं, फाइनल आपको मैं पेपर देने वाला हूं, और आपको ये समझना पड़ेगा कि उस पेपर में अगर आप लाइव पेपर दे रहे होंगे तो आपके मार्क्स कितने बेहतर, कितनी चीजें अच्छे से आ सकती हैं, राइट। तो कल आपका सुबह सुबह 9 बजे इस पे जरूर आपको जुड़ना है। देन रात को 9 बजे, आज रात को 9 बजे सुडोकू पजल है, तो सुडोकू पजल को भी हमें डिटेल पढ़ना है, और सुडोकू पजल का भी बेसिक बहुत अच्छे से समझ के ही हमें मेंस देने जाना है, राइट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके ठीक है, चलिए। सो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, कल हमें वापस से क्या कहते हैं जुड़ना है, रात के 9 बजे मिलना है सेशंस को, और डिटेल और डीप हम समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।